नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। से मिलने आई है। लड़कियां? लड़कियों से मेरा क्या वास्ता? जी आपका नहीं, हमारा तो है। नमस्ते। नमस्ते, कौन है आप लोग? हम एरी कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं। ओ, कॉलेज स्टूडेंट्स, क्या चाहिए तुम्हें? हमारे कॉलेज में लड़कियों का हॉस्टल नहीं है, उसके लिए हम डोनेशन मांगने आए हैं। डोनेशन कितना? हमें यकीन है आप कम से कम 5,000 रुपया देंगे। 5,000? आप चाहें तो ज्यादा भी दे सकते हैं। आप तो हमारे शहर के बहुत बड़े रईस हैं, बैरिस्टर हैं और हर अच्छे काम के लिए सबसे पहले डोनेशन देते हैं। पहले मुझे अपना लिस्ट दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ किसने क्या दिया है। हमसे तुम 5,000 रुपए मांग रही हो? हेलो, यहाँ 500, 1,000, 500 या 2,500 किसने दिया है? मेरे पिताजी ने। शिवचरण शर्मा? मेरे पिता है वो इंदौर वाले। जी हाँ। इंजीनियर? जी हाँ। तुम उनकी बेटी हो? आप उन्हें जानते हैं? मैं तो उन्हें तब से जानता हूँ जब तुम पैदा नहीं हुई थी। तुम लोग कब आए इंदौर से? 2 साल हो गए। लो, 2 साल हो गए तुम लोग यहाँ आए हो, उसने मुझे खबर तक नहीं दी। अरे दो दो साल तो उसने बताया नहीं कि वहाँ आया हुआ। तुम उनकी बेटी हो? जी हाँ। क्या नाम है? मीरा शर्मा। मीरा अंकल, डोनेशन? डोनेशन तो अब मैं तुम्हारे बाप से वसूल करूंगा। जी? ये लो, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल रहा हूँ, जाना मत यहाँ से, मैं कपड़े बदल के आ रहा हूँ। भाई डॉक्टरों की राय के मुताबिक मुझे फौरन ही इन्हें यहाँ इंदौर से लाना पड़ा। तो बहुत अच्छा किया तुमने शिवचरण, यहाँ इनके इलाज भी अच्छी तरह से होगा। लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम्हें मालूम था मैं यहाँ हूँ, फिर भी तुमने मुझे खबर तक नहीं दी। कम से कम इतना तो बताना था कि भाभी 3 साल से बीमार है, रीढ़ की हड्डी में जख्म है, चल फिर नहीं सकती। अरे भाई ये मेरी भूल हुई, लेकिन सच मानो बहुत ज्यादा परेशान था, यहाँ तक कि टेलीफोन करने का वक्त नहीं मिला।
भाभी तुम फैसला करो, या तो आज से मेरी और उसकी दोस्ती खत्म या जिंदगी भर का रिश्ता। दोस्तों की बात है, मैं क्या कहूँ। बस इतना कह दो भाभी कि मीरा के लिए किसी को वचन तो नहीं दिया तुमने। नहीं तो क्यों। बस तो आज से मीरा मेरे घर की बहू हो गई। शिवचरण तुम्हें तो कोई इतराज नहीं। अरे भाई शुक्ला, जब तुमने फैसला ही कर लिया है तो पूछने की क्या जरूरत है। बस लेकिन इतना है, लड़की लड़के को पसंद आनी चाहिए। भाई शिवचरण, जहां तक हो सकता है लड़के को मैंने आजकल के जमाने के हवाने लगने दिए, फिर भी भेज दूंगा उसे ताकि दोनों एक दूसरे को देख लें। यार शाम तुम इंग्लैंड जा रहे हो भाई, खुशी के मौके पर एक पार्टी हो जाए। बिल्कुल हो जाए। कौन दे रहा पार्टी? हाँ तुम दोगे और कौन देगा। वाह बेटा, हमेशा मुझी को काटते हो, जरा सा बहाना मिला और पार्टी हो जाए। वाह यार, यही तो एक खास मौका है भाई, इंग्लैंड जाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात। अच्छी बात है, पार्टी दूंगा मगर इंग्लैंड से वापस आने के बाद। अब और कुछ बातें करो। हाँ और कुछ बातें करो, कुछ लड़कियों की बातें करो, कुछ प्यार मोहब्बत की बातें करो। अरे चुपे मटू, लड़कियों से और प्यार से तेरा क्या वास्ता? आज तक किसी लड़की ने बात की है तुझसे? अम्मा यार यही तो रोना है, मैं जब भी किसी लड़की की तरफ प्यार से देखता हूँ या तो वो मुंह फेर लेती है और या फिर हंस के चली जाती है। कुछ ना कुछ बंदोबस्त जरूर करेंगे। अरे छोड़ छोड़, अरे छोड़ ना यार। उठो यहाँ से और दूसरे टेबल पे जाइए। क्यों? इसलिए कि ये टेबल हमारा है, हम रोज यहाँ पर बैठते हैं। लेकिन आज हम यहाँ बैठी हैं, इसलिए आप दूसरे टेबल पर जाइए और प्लीज बोल मत कीजिए। क्या कहा? आप ऊंचा सुनती हैं क्या? यू बदतमीज। ए मिस्टर, लड़की पे हाथ उठाते हुए शर्म नहीं आती? व्हाट? अरे आप लड़की हैं, माफ कीजिएगा, आपका हुलिया देखकर मैं समझा आप कोई लड़का है। हाउ डेयर यू। बेबी बेबी, ऐसे बदतमीज के मुंह नहीं लगना चाहिए। अरे मुंह मत लगो, गले तो लग सकती हो। गुरु, ये कोई फॉरनर मालूम होती है? नहीं। तो फिर कोई बीटल होगी? नहीं। तो फिर कोई हिप्पी होगी? गलत। तो फिर हिप्पी? ये भी गलत, ये भी गलत। तो गुरु फिर तुम जल्दी बताओ। मैं बताओ? हाँ तुम बताओ। अरे फैशन की दीवानी ये गुड़िये हैं जापानी, अरे फैशन की दीवानी ये गुड़िये हैं जापानी, अरे कौन कहेगा बोलो इनको लड़के हिंदुस्तानी। बोलो 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 ना। फैशन की दीवानी ये गुड़िये हैं जापानी, अरे कौन कहेगा बोलो इनको लड़के हिंदुस्तानी। कानों तक बाल कटा के पाउडर से गाल सजा के, अच्छी खासी सूरत का रखा ये हाल बना के। कानों तक बाल कटेंगे पाउडर से गाल सजेंगे, अच्छी खासी सूरत का रखा ये हाल बनेंगे। हाथ सुने माथा नंगा आंखें सुरमे दानी, फैशन की दीवानी ये कुड़िये हैं जापानी, अरे कौन कहेगा बोलो इनको लड़के हिंदुस्तानी। बोलो 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 ना। फैशन की दीवानी ये कुड़िये हैं जापानी, अरे कौन कहेगा बोलो इनको लड़के हिंदुस्तानी। तौबा तौबा ये ब्यूटी नकली है बिल्कुल झूठी, इनसे की जिसने शादी उसकी तो किस्मत फूटी। तौबा तौबा ये ब्यूटी नकली है बिल्कुल झूठी, इनसे की जिसने शादी उसकी तो किस्मत फूटी। दूर से इनको टाटा करना कर हो जान बचानी, फैशन की दीवानी ये गुड़िये हैं जापानी, अरे कौन कहेगा बोलो इनको लड़के हिंदुस्तानी। बोलो बोलो बोलो
बोलो बोले रे। फैशन की दीवानी ये गुड़िये हैं जापानी, हर कौन कहेगा बोलो इनको लड़की हिंदुस्तानी। देश में नारी समझी जाती थी बेबी, होके अब 20 वर्ष की यह कहलाती है बेबी। एक दिन इस देश में नारी समझी जाती थी बेबी, होके अब 20 वर्ष की यह कहलाती है बेबी। देसी है पर नकल विदेशी, ये कैसी है रानी, फैशन की दीवानी ये गुड़िये हैं जापानी, अरे कौन कहेगा बोलो इनको लड़के हिंदुस्तान। बोलो 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 ना। फैशन की दीवानी ये गुड़िये हैं जापानी, अरे कौन कहेगा बोलो इनको लड़के हिंदुस्तानी। माफ कीजिएगा, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं बीच में क्यों कूद पड़ा। जी नहीं, मैं तो ये सोच रही थी कि आपका शुक्रिया किस तरह अदा करूं। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? है क्यों नहीं, अगर आप उसका हाथ ना पकड़ते तो वो राधा के मुंह पे तमाचा मार देती। क्या नाम बताया आपने इनका? राधा। भाजू है। किस बात का? मेरा नाम श्याम है। श्याम? जी हाँ, कैसा हसीन इत्तेफाक है। राधा चलो। हाँ नमस्ते। नमस्ते। क्यों गुरु लग गए लेन पर? चुप बे मोटो चुप। गुरु अपनी तो पटरी मोटी है। बधाई हो राधा। किस बात की? राधा को शाम मिल गया। मुझे लड़का बुरा नहीं लगा। वाह क्या बात है, अच्छा हुआ तो मुझे यहाँ मिल गई राधा। चलो शांति, मेरे होते हुए तुम पैदल जाओगी? मैंने आज ही गाड़ी खरीदी। चलो तुम्हें घर छोड़। कोई जरूरत नहीं है। कौन है ये? है हमारे मोहल्ले का, हमेशा मेरे पीछे पड़ा रहता है। श्याम। हाँ बाबू जी। शिवचरण शर्मा मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, कल तुम उनके घर चले जाना, ये उनका पता है। क्यों कोई खास काम है बाबू जी? वहां जाकर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। भैया भैया बाबूजी से मिले? हाँ। बाबूजी ने बताया कल कहाँ जाना है? शर्मा जी के यहाँ। बस और कुछ नहीं बताया? नहीं तो क्यों, आखिर चक्कर क्या है? अरे चक्कर वही है भैया, जिससे आज तक ना कोई लड़की बची है ना लड़का। क्या? शर्मा जी की एक बेटी है, बाबूजी ने उसे देखा और आपके लिए पसंद कर लिया, अब आया अकले शरीफ में। ये क्या सूझी बाबूजी को, अभी तो मुझे इंग्लैंड जाना है। हाँ, बाबूजी ने फैसला किया है कि इंग्लैंड जाने से पहले बात पक्की और आने के बाद शादी। ठीक है, लड़की देखकर कह दूंगा बाबूजी से कि मुझे लड़की पसंद नहीं आई। अब बनो मत भैया, दिल में तो लड्डू फूट रहे हैं। रेखा बोर मत करो और यहाँ से जाओ। मुझे बोल रहे? लेकिन आप यहाँ कैसे आ गए? सच मानोगी, मेरी जन्म कुंडली में लिखा था। क्या? यही कि पहली मुलाकात में तुम्हें एक अनजान लड़की के रूप में देखूंगा और दूसरी मुलाकात में अपने जीवन साथी के रूप में। जी? अरे ये घबराहट क्यों, इतनी बुरी शक्ल है मेरी। लेकिन ये सब आप क्या कह रहे हैं, मैं कौन हूँ क्या हूँ ये सब जाने बिना? राधा मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम मेरे होने वाली वो हो और तुम मुझे बेहद पसंद हो। लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि चंद लम्हों की मुलाकात में आपने जीवन भर का फैसला कैसे कर लिया? ये फैसला मेरा नहीं, किस्मत का है और इसी को संजो कहते हैं। ओफो, आप तो मुझे पागल कर देंगे। और मैं हो गया हूँ सिर्फ कल और आज में, ये चाहता है कुछ पागलपन करने को।
अमेरिकन बुला रही हैं। जी माँ जी, डॉक्टर साहब कल एक किताब भूल गए थे, मीरा के रूम में है, जा ले आ। जी। मेरी इतनी अच्छी देखभाल करती है कि ट्रेन नर्स भी क्या करेगी। राधा को यहाँ रखकर आपने बहुत अच्छा किया डॉक्टर साहब। भले घर की पढ़ी लिखी लड़की है, यहाँ इज्जत से रहेगी और कम से कम दिन भर तो अपनी सौतेली माँ के जुल्म से तो बचेगी। उसे किसी अच्छे लड़के से शादी करके अपना घर बसा लेना चाहिए। माँ जी, ये सलाह तो मैं से कई बार दे चुका हूँ। मैं तो लड़का ढूंढ लाने को तैयार हूँ, मगर इसका दिमाग खराब है। क्यों? कहती है मेरी बदनसीबी का साया किसी और पे क्यों पड़े। राधा, लड़के का नसीब तो जन्म लेते ही किसी और का हो जाता है, भाग्य के साथ ही उसका सौभाग्य भी लिखा होता है और इसी को संजोग कहते हैं। बेखुदी बेसबब नहीं गालिब। क्या? गालिब का शेर है और आप पर फिट होता है। भैया, आपने तो हमें रिपोर्ट ही नहीं दी कि हमारी होने वाली भाभी कैसी है, लेकिन आपकी हालत देखकर हम समझे। मेरी हालत देखकर आप खाक समझे। उस लड़की से जो शादी करेगा, या तो वो कोई उल्लू होगा या किस्मत का मारा। यानी? यानी पपीता जैसा चेहरा है, मुनक्का जैसे आंखें, नाक जैसे आलू बुखारा, गाल सूखा हुआ चुहरा, रंग की तो बात ही मत पूछो, जामुन है जामुन, बिल्कुल काला। और आवाज? दांत से जैसे आकर तोड़ने में होती है ना। भैया हम समझे, सिर्फ एक मुलाकात के बाद जिसकी मिसाल इतने सारे फलों से दी जाए, उसमें कितना रस होगा, कितनी मिठास होगी उसमें, है ना? क्या क्या? हाँ, हीरो का टेलीफोन नंबर होगा, हम इससे क्या करना है? अरे कम से कम थैंक यू तो कहो। थैंक यू? चलो 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 चलो। हेलो, आवाज तो राधा की लगती है। आप कौन है? श्याम। अच्छा सुनो, कल सुबह 8 बजे के बाद तुम्हारा जो भी प्रोग्राम है वो सब कैंसिल। जी जी कैंसिल, इसलिए कि हम पिकनिक में जा रहे हैं। पिकनिक? माफ कीजिए, मैं नहीं आ सकूंगी। जरूर जाओगी, लेकिन मैं माँ की देखभाल कर लूंगी, कल संडे है। कहाँ है पिकनिक? अच्छा मैं पहुंच जाऊंगी। थैंक यू। अच्छा एक बात और। क्या? आई लव यू। बाबूजी चाय रख दे बेटी। श्याम कहाँ है? भैया तो सुबह ही चले गए। अजीब लड़का है, कल रात में मुझसे नहीं मिला, सुबह भी जल्दी चला गया। मुझसे कहना तो चाहिए था कि शिवचरण का घर गया है, नहीं है, लड़की पसंद आई या नहीं। मैंने तो भैया से आते ही पूछ लिया था। क्या कहा उसने? अरे इतनी तारीफ कर रहे थे, इतनी तारीफ कर रहे थे। अरे आवा शिकारी पन्ने खां भोपाली, कहाँ चले गए थे? भोपाल चले गए थे भाई मियाँ, शिकार खेलने। अच्छा बैठो बैठो, क्या शिकार किया? हिरन वरन मारे खूब? छोटे जानवर पर तो बंदूक नहीं उड़ते भाई मियाँ, और इस मरतबा तो ऐसा जुगादरी चीता मारा। अच्छा? आप देखोगे तो उछल पड़ोगे। कैसी हो रेखा दीदी? अच्छी हूं। अरे नहीं, तुम तो बाहर ही रुक गए, चले आओ ना। वाह बनने में, ये तो वाकई जुगादरी चीता है, लेकिन मैं भोपाल से यहाँ क्यों ले आए? ऐसा है भाई मियाँ कि अगर जंगल में छोड़ आते तो गीदड़ खा जाते। वाह भाई, वाकई खूब शिकार किया तुमने। ऐसा नटखट चीता तो जिंदगी में नहीं देखा भाई मियाँ। यानी 3 दिन तक आंख मचोली खेलता रहा, कमबख्त ने चूना चाटने का मौका नहीं दिया। लेकिन मैं भी कोई पीछा छोड़ने वाला, पहली बार नजर आया, पहली गोली मारी, फिर आप तो जानो शिकारी बनने का भोपाली का निशाना, गोली सीने के आर पार, वही आंख मचोली भूल गया। तुमने एक ही गोली में से मार दिया। हाँ भाई मियाँ, एक ही गोली में। सच कहो जरा। ऐसा है भाई मियाँ, 5 गोली मारी, बता दे। लेकिन तुम इसे मेरे घर क्यों ले आए? आपके लिए। मेरे लिए? हाँ। बन्ने खां, ऐसे बनवाने तुमने बहुत पैसा खर्च किए होंगे। पैसे मैसे की बात मत करो भाई मियाँ, ये तो बन्ने खां का तोहफा है, कोने में खड़ा रहेगा, दोस्ती की याद दिलाएगा। बन्ने खां चलाओ चाय पिए। नहीं नहीं भाई मियाँ, चाय वाय नहीं, दुकान बंद करके आए हैं, साइकिलों की घंटियां बज रही होंगी, फिर कभी आएंगे। अच्छा, सलाम अलैकुम। अरे चलो ना भाई चलो, क्या देखते हो, चलो।
कैसी हो? नमस्ते ताई जी। जी जी रोजी। ओह, ये तो मरा हुआ है। ओह, झूठा है। अभी ये जुगादरी चीता है, बन्ने खान ने मारा है। किसी ने भी मारा हो, है तो चीता ही। तुम्हारी तबीयत कैसी है? जिंदा हूँ। डॉक्टरों ने खाना पीना तो मना ही कर दिया है। ये चने कुरमुरे खा खा के जी रही हूँ। राजन इस तरफ आ रहा था, मैंने सोचा चलो मैं भी चलकर। बहुत अच्छा है। आओ राजन, आओ आओ बेटा, बैठो। राजन, शाम को विलायत जाने के बाद ऑफिस का काम तुम अकेले संभालना पड़ेगा। संभाल सकोगे? आप फिक्र मत कीजिए चाचा जी, मैं सब कुछ संभालूंगा। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी है। अरे तुम देखकर तो देखो देवर जी, तुमने तो हमेशा अपनी बहन के बेटे शाम को ही सबसे ज्यादा काबिल समझा है, वरना पहला हक तो भाई के बेटे का होता है। वो तो ठीक है भाभी, मैं जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ, जमीन जायदाद के बंटवारे के लिए उसमें देर है। लो लो, तुम तो बात को कहां से कहां ले गए। बात ये है कि मुझे बात करनी ही नहीं आती। तो फिर चुप भी रहा करो। ठीक है राजन जी। रेखा बेटी, शाम कहाँ है, दिखाई नहीं देता। मालूम नहीं सुबह से भैया कहाँ चले गए। राजा, जा रहे हैं ऐसी खूबसूरत जगह जहाँ भीड़ भाड़ न हो, शोरगुल न हो, सिर्फ तुम और मैं। ऐसी जगह आप ही को मुबारक हो। खूबसूरत जगह है ना, न भीड़ भाड़ न शोरगुल, सिर्फ आप, मैं और ये कीचड़। और तुम बिल्कुल ऐसी लग रही हो जैसे कीचड़ में कमल का फूल। मजाक छोड़िए। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैडम अब तो बाहर आ जाइए, नहा भी लिया और कपड़े भी धुल गए। आप तो सामने से हटिए। क्यों? इन गीले कपड़ों में मैं आपके सामने कैसे आ सकती हूँ? तुम मेरे सामने बताओ, मैं तुम्हारे सामने आ जाता हूँ। नहीं नहीं। क्यों, डर गई? देखिए परेशान मत कीजिए, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। लेकिन मेरा इरादा इस जगह से हटने का बिल्कुल नहीं है। प्लीज देखिए, आपको मेरी पसंद है, आपको मजबूरन हटना ही पड़ेगा। मैं हट गया मैडम। अजीब लड़की हो, अपनों से कोई भला इस तरह शर्माता है? अपने भी अपनों को इस तरह नहीं सताते। वादा कीजिए आप कोई नई शरारत नहीं करेंगे। हरगिज नहीं करूंगा। पहले मेरी कसम खाइए। हाँ, मैं अपनी कसम खाता हूँ। अपनी नहीं, मेरी। जो जान से भी ज्यादा प्यारे होते हैं उनकी कसम नहीं खाई जाती। क्यों, यकीन नहीं मेरी बात पर? देखो राजा, मैंने जिंदगी में पहली मर्तबा सिर्फ तुमसे प्यार किया है, और इस बात को यकीन दिलाने के लिए आओ मेरे साथ, आओ। देखो ये भगवान का मंदिर है, और मैं इनकी सौगंध खाकर तुम्हें अपनी बनाता हूं। अब यकीन आया? तो फिर जाओ जल्दी से अपने कपड़े सुखा लो, वरना यही शाम हो जाएगी। और सुनो, मैंने तो भगवान के सामने तुम्हें अपनी बना लिया, मगर तुम भी तो हाँ कह दो, कहो ना। Thank you.
या न माने जो कल तक थे अनजाने, कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। अब तो हमको एक ही सपना पूरा करना है, जन्म जन्म का प्यार तुम्हारी मांग में भरना है। हो जिस दिन से तुमको जाना हमने किस्मत को माना, तुम्हारा ही होना था तुम्हारे हो गए है। कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। जाता है तन पर काबू रखते हैं तो मन खो जाता है। दिल को कर दिल मिलता है अब हमसे क्या पड़ता है, जब आंखों ही आंखों में इशारे हो गए। हाँ कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। आँखों में डोरे गालों पे लाली होठों पे फूल खिले, हो जितना भी देखे दिल नहीं भरता तुम हमें खूब मिले। हो ये काली काली जुल्फे ये गोरी गोरी बाहें, कितने सारे जीने के सहारे हो गए। हाँ कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। हाँ, कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। कोई माने या न माने जो कल तक थे अनजाने, वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। वो आज हमें जान से भी प्यारे हो गए। शांति मैं अपने कपड़े बाद में ले जाऊंगी। मगर राधा तूने ये तो बताया ही नहीं कि कपड़े भीगे कैसे। बाद में बताऊंगी, बहुत देर हो रही है, माँ नाराज होगी। ये लो। इसकी क्या जरूरत है शंकर, अभी तो घर का काम काज चल ही रहा है। आंटी ये साड़ी काफी पुरानी हो चुकी है, कल अपने लिए एक नई साड़ी ले लो, और अंकल के लिए दवाइयां भी तो मंगानी है। शंकर जी तुमने जो कुछ इस घर के लिए किया है। आंटी अपना समझ कर किया है, वो तो ठीक है, कोई पराया थोड़ी। अच्छा मैं चलता हूँ। अच्छा आना। हाँ जी आ गई पिकनिक से। क्या बात, कपड़े भी बदल लिए, कौन था साथ? शंकर तुम्हें मेरे मामले में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। शर नहीं आती, नौकरी का बहाना करके बीमार बाप को घर पर छोड़कर खुद पिकनिक को जाती है रंग रलिया मनाने। घूर कह रही है मेरी तो हर बात तुझे बिच्छू के डंक जैसी चुभती है। बस करो माँ, आज जरा देर हो गई आने में, और कल अंधेर भी हो सकता है, कहीं कुछ ऊंच नीच करके आ गई तो नाक तो हमारी कटेगी। माँ राधा, भीतर जा,
और कल से घर में ही रहना, नौकरी पे जाना बंद। इसलिए कि शंकर को पसंद नहीं, और मैं राधा की बात शंकर से पक्की कर चुकी हूँ। पिताजी, मुझे शंकर पसंद नहीं है, उसे शादी करने से पहले मैं अपनी जान दे दूंगी। सुन लिया? और पढ़ाइए कॉलेज में, और भेजिए नौकरी करने के लिए। माँ बाप का तो जरा लिहाज नहीं, मेरी होती तो जबान खींच लेती। राधा को बेचने की जरूरत नहीं, शायद मैं अच्छा हो जाऊं, शायद शंकर का कर्जा चुका। मैं और बाबूजी शर्मा जी के यहाँ गए थे। अच्छा, लेकिन तुम तो उनसे मिले ही नहीं। अरे पगली, उनसे मिलकर मैं क्या करता। अच्छा ये बता, तुझे तेरी होने वाली भाभी कैसी लगी? होने वाली भाभी? बताऊं कैसी लगी? बताना कैसी लगी। बहुत बुरी। पपीते जैसा चेहरा, मुनक्के जैसी आंखें, नाक आलू बुखारा और गाल सूखा हुआ छुआरा। मैं तो कहती हूँ भैया, आप भी इनकार कर दो वरना फंस जाओगे। अब तो बहुत बुरी तरह फंस चुका हूँ रेखा, इनकार कर ही नहीं सकता। क्यों? बाबूजी शर्मा जी को जबान दे चुके हैं, और बाबूजी का कहना मानना मेरा कर्तव्य है। श्याम जी। बाबूजी, ये तुम्हारा प्लेन का टिकट, कल सुबह की फ्लाइट है। सारा दिन कहाँ गायब थे? दोस्तों के साथ पिकनिक में चले गया था। शिवचर ने तुम्हें डिनर पर बुलाया था, पर अब तो वक्त नहीं है, जाने से पहले कल सुबह टेलीफोन कर देना। जी बाबूजी। अजब आराम करो, जल्दी उठना तुम। चल आराम करने दे। गुड नाइट भैया। गुड नाइट। हेलो। मैं श्याम। कहिए। मेरा टिकट आ गया है और मैं एयरपोर्ट के लिए रवाना हो रहा हूँ। ओह, वापस आते ही मैं सबसे पहले तुमसे मिलूंगा, इंतजार करोगी ना? और सुनो, कल का लिए मुझे बहुत अफसोस है, उम्मीद है माफ कर दोगी। कोई बात नहीं। श्याम जल्दी आओ, देर हो रही है। अच्छा चलो। बाय बाय। मीरा, इतनी सुबह किसका फोन था बेटी? शुक्ला जी के बेटे श्याम का। कल रात डिनर पे नहीं आ सके, इसके लिए माफी मांग रहे थे। मैं उसे एक बार देखना चाहती हूँ। तब तक तो तुम्हें भी इंतजार करना पड़ेगा, वो आज ही विलायत जा रहे हैं। आज ही? अभी। देखो मियाँ, हम तो कभी लंदन मंडन गए नहीं, लेकिन सुना है कि वापसी में मेवे पीछे लग जाती हैं। आप तो बच के रहना। फिक्र मत करो बन्ने चाचा, आप बहुत समझदार हो, लेकिन बात ऐसी है कि दुनिया में आपके बाबूजी को सिर्फ हम भाई मियाँ कहते हैं, वो तो आपको माफ भी कर देंगे, लेकिन हमारा गुस्सा बहुत खराब है। क्यों बन्ने मियाँ, क्या पाठ पढ़ा रहे हो शाम को? शिकार विकार खेलना तो नहीं सिखा रहे हो? नहीं भाई मियाँ, बाकुरदार को लंदन की ऊंच नीच बता रहे थे। उससे कह दो कि मेम मेम लेके वापस ना जाए। बोल दिया भाई मियाँ, आप कैसे लाएगा? बोल दिया। हवाई अड्डे पर चलो। आप फिर हो, मैं तो फर्राटे लेते हुए साइकिल पे आया, शॉर्टकट से हवाई अड्डे पे आपसे पहले पहुंच जाऊंगा। चलो बैठो रेखा दीदी। चलो रेस हो जाए। बैठो, रेस हो जाए। मेरे जो सर से पांव तक आग लग गई और तुझ पर कोई असर नहीं हुआ। किस बात का? देवर जी ने शाम को विलायत भेज दिया और तुझे झुमरे तलैया तक नहीं भेजा। चाचा जी अपनी मर्जी के मालिक हैं और अपनी दौलत के। उनकी दौलत का असली हकदार तू है, तू उनके सगे भाई का बेटा है और शाम उनकी बहन की औलाद। देखो माँ, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ, मुझे लेक्चर सुनने की फुर्सत नहीं। बस तू कागज ही काले सफेद करता रहेगा जिंदगी भर, और एक दिन देवर जी अपनी सारी जमीन और जायदाद शाम को दे बैठेंगे। फिर वही बात। ए माँ, मेरे हाथ में ऐसा हुनर है कि लाखों रुपया लाकर तेरे कदमों में बिछा दूंगा, बस सिर्फ मौके का इंतजार है। ये सुनते सुनते तो मेरे बाल पक गए। हाँ गया।
शाम की गैर हाजिरी का फायदा उठाकर अपने चाचा को थोड़ा मस्का मार। और रेखा से भी दो चार मीठी बात कर लिया कर, आखिर वो सही बहन है और देवर जी की चहेती बेटी होगी। ऐसी बहन से तो मैं दूर रहना चाहता हूँ। पढ़ने का बहाना करके घर से जाती है और पार्कों में इश्क लड़ाती फिरती, और वो भी ठटका लड़के के साथ। क्या कह रहा है? इतनी ठंडी सांस क्यों? आज मैंने भगवान की गलती पकड़ ली। क्या? उसने हमें फॉरेन कंट्री में पैदा क्यों नहीं किया, जहाँ दो मोहब्बत भरे दिलों को तड़पना नहीं पड़ता। सुबह नजर मिलती, दोपहर को एंगेजमेंट, शाम को शादी, और दूसरे दिन तलाक। अरे तलाक से पहले शादी तो हो जाती। रेखा, मेरे दिल की हालत पे गौर करो और मुझे बताओ कि हमारी शादी कब, कहां और कैसे होगी। ये सोचते सोचते मेरा दिमाग तो फेल हो गया है, और अब किसी दिन हार्ट भी फेल हो जाएगा। हार्ट फेल होने से पहले मेरे बाबूजी से बात कर लो ना। फिर वही बात, शादी मैंने तुमसे करनी है, तुम्हारे बाबूजी से। तुम तो एकदम इडियट हो। और चाहने वाला इडियट होता है रेखा। अरे रेखा, रेखा मेरी बात तो सुनो। रेखा ओफो, खबरदार जो मेरे पीछे आया तो। अरे मेरी बात तो सुनो। रेखा बीबी को तो जाने दो मियां, आप जरा खड़े रहो। अरे खड़ा नहीं तो क्या बैठा हूं, गर्दन छोड़ो। मैं कौन हो तुम? आप तो बहुत बोलते हो मियां, अगर हमने वक्त पे सेहरा बांध दिया होता तो आपके जैसी नाखलफ औलाद होती। क्या चाहिए तुमको? पहले आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम दीपक है। नाम तो बहुत अच्छा है मियां, लेकिन ये बताओ कि आप हमारी रेखा बीबी के चारों तरफ कब से जल रहे हो? हम कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते हैं। तो ये पार्क में क्या क्लास है लग रही है? बन्नी चाचा, कहने की जरूरत नहीं बीबी, मैंने खुद देखा है इनको आपका पीछा करते हुए। नहीं नहीं चाचा, ये तुम्हारे चाचा हैं। आप तो इधर बात करो मियां। रेखा बीबी तुम चलो घर, चलो। मैं भी चलो। आप इधर चले, पार्क में क्लास है लग रही थी, तो एक सबक हमसे भी लेते जाओ। क्या सबक? ये है मियां, अगर हमने आइंदा तुम्हें रेखा बीबी के साथ देख लिया तो क्या कर लेंगे आप? बेस तो करो नहीं आप, वरना आपसे टूटेंगे हाथ और पैर, और हमें हो जाएगी 6 महीने की जेल। इसलिए आप तो यहाँ से भाग लो, भाग लो। राधा, दीनू काका, ये तुम्हारी चिट्ठी आई मेरी। हाँ, मैं बाजार जा रहा था, सोचा जाता चलो। और हाँ, तुमने काम पर आना क्यों छोड़ दिया बेटी? अब मैं नहीं आ सकूंगी दीनू काका, माँ को मेरी नौकरी करना पसंद नहीं है। ओह अच्छा, मैं चलता हूँ। चाय तो पीते जाओ, इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ, फिर कभी आऊंगा बेटी। जी तेरा। मेरे मन की रानी, मैं कुछ महीनों के लिए विलायत जा रहा हूँ, जाने से पहले मिल न सका, इसका बुरा मत मानना। बहुत नजदीक आकर बहुत दूर जाना पड़ रहा है, फिर भी तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, मेरे दिल में, दिल की धड़कनों में। मेरी वापसी का इंतजार करना, और जब भी याद आऊंगा तो याद करना कि इस शरीर के साथ साथ हमारी आत्मा भी एक हो चुकी है, हम हमेशा के लिए एक दूसरे के हो चुके हैं। मेरे विलायत से वापस आते ही हमारी शादी हो जाएगी, और उसके बाद मैं नहीं कहूंगा, तुम खुद सोच लेना। जन्म जन्म से और जन्म जन्म तक तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा शाम। शाम माँ। क्या फोटो छुपा कर मन की बात भी छुपा लेगा माँ से? जी, मन ही मन में कब तक पूजा करता रहेगा उसकी। मुझे ले चल, मैं बात करूंगी मीरा के माँ से। मगर क्या बात करूंगी माँ, कोई बात भी तो हो। फिर रात दिन मीरा का फोटो क्यों देखता रहता है? बस यूं ही, अच्छी लगती है। है ही अच्छी, बहू बनाने के लायक। माँ, जो सपना सुंदर होता है वो सच नहीं होता, इसी डर से मैंने आज तक मीरा को खबर नहीं होने दी कि मेरे मन में उसके लिए कितनी ऊंची जगह है। हो सकता है वो भी तुझे चाहती हो, ये जानने की कभी कोशिश की है तूने? यही तो वो सुंदर सपना है माँ, जिससे मैं अपना मन बहलाता, इसी उम्मीद के सहारे कि शायद ये कभी सच हो जाए। तू तो पागल है, आज शर्मा जी के यहाँ विजिट के लिए जाना है ना तुझे? जी। तो आज ही मीरा की माँ से बात कर। माँ। हाँ, मेरा आशीर्वाद है तुझे। माँ। आइए डॉक्टर साहब।
नमस्ते माँ जी। नमस्ते, बैठो। आज तो आपकी तबीयत अच्छी मालूम होती है। तुम्हारे इलाज से बहुत फायदा है। माँ जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जरूर सुनूंगी, मगर पहले मिठाई खा लो। मिठाई? किस खुशी में? मीरा का रिश्ता पक्का हो गया, बहुत अच्छा घर मिल गया है, लड़का विलायत गया है, आते ही शादी हो जाएगी। मुबारक हो मीरा। मुंह तो मीठा करो। जी हाँ। अरे हाँ, तुम कुछ कहने वाले थे ना? जी हाँ, बस यही, अगर आप ऑपरेशन करवा लें तो जल्द ठीक हो जाएंगे। मीरा की शादी होते ही ऑपरेशन करा लूंगी। मेहता जी, कल से मैं ऑफिस नहीं आऊंगा। जी क्यों चाचा जी? डॉक्टर ने कहा कि अब मुझे आराम करना चाहिए और आजकल मैं बहुत जल्दी थक भी जाता हूँ, इसलिए ऑफिस के जो जरूरी कागजात हो आप राजन का भिजवा दिया कीजिए, मैं देख लिया करूंगा। बहुत अच्छा बाबू जी, आपको तो ऑफिस के काम की फिक्र ही नहीं करना चाहिए चाचा जी, मैं जो मौजूद हूँ, और फिर आपको तो बिल्कुल आराम करना चाहिए। मैं भी यही चाहता हूँ राजन, श्याम इंग्लैंड से वापस आ जाए, बस तुम दोनों भाई मिलकर ऑफिस का काम संभाल लो। ले जाओ इसे। तुम यहाँ कैसे? होटल इवनिंग स्टार तुम्हें पसंद है ना? मतलब? 1,00,000 रुपए में मेरे पास मॉर्गेज है, ये है उसका एग्रीमेंट, इसके मालिक का परसों हार्ट फेल हो गया, डॉक्यूमेंट चेंज करना। इसमें मेरा क्या फायदा है? 60-40 पार्टनरशिप, 60 मेरी 40 तुम्हारे। नॉट बैड। लेकिन दोस्त एक बात का ख्याल रखना। क्या? आज से तुम इस दफ्तर में आ गए, आइंदा कभी मत आना। क्यों? चाचा जी बहुत सख्त आदमी है, उन्होंने कभी तुम्हें दफ्तर में देख लिया ना तो मेरी हालत भी तुम्हारी जैसी हो जाएगी। तुम्हें सर पर एक बाल नहीं रहेगा मैं। दिखाओ क्या है। मालूम होता है आज भी कोई काम नहीं मिला। डॉक्टर कैलाश के यहाँ गई थी? वह किस मुंह से जाती माँ, जो नौकरी उन्होंने दिलवाई थी वो तो तुम्हारे कहने से छोड़नी पड़ी। अरे पर मैंने ये भी तो कहा था कि शंकर से शादी कर ले। इसका जवाब मैं दे चुकी हूँ। और इसके बाद ही शंकर ने हाथ खींच लिया, आज 2 दिन से उनकी दवा नहीं आई, परसों मकान का किराया देना है। लेकिन मैं क्या करूं माँ? अब भी हाँ कर दो राधा, मैं शंकर को मना लूंगी। नहीं माँ, ये तो नामुमकिन है। तू रोजा मेरे सामने से, किस्मत तो हर तरह से तबाह कर चुकी थी, सिर्फ एक इज्जत थी बाकी, वो भी तूने खाक में मिला दी। चल उठ, आज से तू हमारे लिए मर चुकी, आज से हमारा तेरा कोई रिश्ता नहीं। चल निकल यहाँ से। मैं कहती हूँ निकल यहाँ से। मैं कहती हूँ निकल यहाँ से। तूने अब तक मुझे क्यों नहीं बताया राधा, वो कब लौटेगा विलायत से? मालूम नहीं। तुझे पूरा यकीन है वो तुझे धोखा नहीं देगा?
हाँ शांति, उसने वादा किया है मुझसे। मर्द अक्सर वादा करते हैं मगर निभा नहीं पाते, खासकर उस गलती को निभाने का वादा जिसे हमारे समाज में मर्द की भूल और औरत का पाप कहा जाता है। आज मैं अपने माँ बाप की नजरों से गिर गई हूँ और कल दुनिया की नजरों से गिर जाएगी। शांति, मैं बेसहारा होकर तेरे पास आई, अब तू ही बता मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरी सलाह मानेगी? फौरन डॉक्टर कैलाश के पास चली जा, वही तुझे इस पाप से मुक्ति दिला सकते हैं। इसी में तेरा भला है, इसी में तेरा भला है राधा, इसी में तेरा भला है। डॉक्टर साहब। राधा, तुम इस वक्त क्या बात है? आप सबको जिंदगी देते हैं ना, मुझे मौत दे दीजिए। क्या? कोई ऐसी दवा दे दीजिए जिसे पीकर मैं हमेशा के लिए सो जाऊं। तकलीफ हो गई, सिर्फ 5 मिनट। प्रीति कहने, तुम्हें मौत चाहिए ना? ये डिस्टिल्ड वाटर है राज, मरना इतना आसान नहीं। मैं आपको अपनी मजबूरी नहीं बता सकती डॉक्टर साहब। बताने की जरूरत ही नहीं, मैं डॉक्टर हूं राधा, मेरे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं कि कुंवारी लड़की मां बनने वाली है। एक तो गलती की है, उस पर यह गुनाह करना चाहती हूँ। क्या यह पाप नहीं कि तुम अपने और उस होने वाले बच्चे की जिंदगी से खेलो? लेकिन डॉक्टर साहब, जो बच्चा अपनी माँ की गलती की निशानी हो, उसका जन्म लेना भी तो पाप है। राधा, जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ भगवान है। आओ मेरे साथ। ये मेरी माँ है, मेरी ही नहीं बल्कि इन सब बच्चों की माँ है। राधा, तुम भी इनमें से किसी की माँ बनकर देखो और फिर फैसला करो कि इन्हें जीने का हक है या नहीं। बस कीजिए डॉक्टर साहब, मुझे माफ कर दीजिए। एक शर्त पर, जब तक तुम बेसहारा हो यहां से नहीं जाओगी, माता जी के साथ रहोगी। राधा, तुम्हारी उम्र क्या है? 22 साल। जिस जिंदगी को बनने में 22 साल लगे हैं वो बहुत कीमती है, उसे एक पल में मिटा देने की कोशिश करना सबसे बड़ा जुर्म है, इतना याद रखना। खराब हो गया था, तुम मिल गई, ठीक हो गया? ठीक हो गया? इतनी जोर जोर से मेरा नाम लेके चिल्ला रहे हो, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? समझदार आदमी होगा तो अपने आप समझ जाएगा। मैं मजनू अंकल को फॉलो कर रहा हूँ, वो लैला लैला पुकारते थे, मैं रेखा रेखा पुकार रहा हूँ। मत, मैं तो तंग आ गई हूँ तुमसे। रेखा 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 ओ रेखा, जब से तुम्हें देखा। रेखा ओ रेखा, जब से तुम्हें देखा। खाना पीना सोना दुश्वार हो गया, मैं आदमी था काम का बेकार हो गया। रेखा ओ रेखा, जब से तुम्हें देखा। रेखा ओ रेखा, जब से तुम्हें देखा। खाना पीना सोना दुश्वार हो गया, मैं आदमी था काम का बेकार हो गया। बनाया है, अरे
लग गया है, तुमको कातिल बनाया है। दिन रात जलाती हो दीवाना बनाती हो, दिन रात जलाती हो दीवाना बनाती हो। अरे मेरा भी एक दिन जरूर आएगा, होए 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 रेखा ओ रेखा जब से तुम देखा, रेखा ओ रेखा जब से तुम देखा। खाना पीना सोना दुश्वार हो गया, मैं आदमी था काम का बेकार हो गया। काफी महंगा ये प्यार है, शादी का इंतजार है। अरे काफी महंगा ये प्यार है, शादी का इंतजार है। मालिक पे भरोसा है मैंने तो ये सोचा है, मालिक पे भरोसा है मैंने तो ये सोचा है। अरे मेहनत जो की है तो फल भी मिलेगा, होए 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 रेखा ओ रेखा जब से तुम देखा, रेखा ओ रेखा जब से तुम देखा। खाना पीना सोना दुश्वार हो गया, मैं आदमी था काम का बेकार हो गया। रेखा ओ रेखा जब से तुम देखा, रेखा ओ रेखा जब से तुम देखा। खाना पीना सोना दुश्वार हो गया, मैं आदमी था काम का बेकार हो गया। मास्टर एक गोली में मर जाता है शेर। अरे तू शेर की बात छोड़, तू तो पंचर जोड़। चुप कर, अपन तेरी तरह बुजदिल नहीं है, समझा? मास्टर मास्टर अब के अपन को लेकर चलोगे ना शेर के शिकार पे? मियां जवाब है, ऐसा है कि जब जंगल में शेर धाड़ता है ना तो टखनों की आवाज घुटनों में आती है, घुटनों की आवाज कानों में, अच्छे अच्छों की हवा निकल जाती है। देखा ना, नाम सुनते ही निकल गई हवा। चलो चलो हवा भरो काम। अरे रेखा बीबी आप यहाँ दुकान पर कैसे? भैया का तार आया है, इंग्लैंड से आ रहे हैं, मैंने सोचा आपको खबर दे दी जाऊं। ये तो बहुत ही अच्छा किया। भाई मियाँ कैसे हैं? अच्छे हैं। क्या मियाँ अपनी बहन को देखकर भी आप इसी तरह सीटी बजाते हो? ये लड़के को देखकर सीटी बजाना कौन से स्कूल में सीखा है? क्षमा चाहता हूँ, आइंदा से ऐसी गलती नहीं करूंगा। मियाँ भले घर के लड़के लगते हो, भली बातें सीखो, समझे? जाओ तुम भी घर को जाओ, भाई मियाँ को हमारा सलाम कहना और कहना कि हम हवाई अड्डे पर पहुंच जाएंगे। चलो जाओ। भाई मियाँ। भैया शामिया, लवली ब्यूटीफुल मार्वलस, थैंक यू वेरी 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 मच भैया कि तुम विलाज जाकर भी अपनी छोटी बहन को नहीं भूले। हाँ लवली, लेकिन भैया ये दोनों कोट एक कलर के? इनमें से एक तुम्हारा है और दूसरा है किसी का। समझे, यानी कुछ ही दिनों में जो आपकी होने वाली। विल यू प्लीज शट अप। ओके चलो खाना खा लो। खाना मैं बाद में खाऊंगा। विलाज जाते वक्त मुझे शर्मा जी से मिलना था, मैं नहीं मिल सका। बाबू जी बहुत नाराज हुए थे, लगे हाथ मिलाता हूँ। सिर्फ शर्मा जी से? मतलब अभी अभी एयरपोर्ट से आए हो और आते ही ससुराल चले, मतलब साफ जाहिर। अरे पगली, ये तो सिर्फ फॉर्मेलिटीज है, फॉर्मेलिटीज बस गया और आया। सच तो ये है भैया कि आया और गया। भैया ये तोहफा भूल गए। ओ लवली, है तो अच्छा। मालिक, श्याम बाबू आए हैं। श्याम, नमस्ते। जीते रहो बेटा, जीते रहो। मैं माफी चाहता हूँ बेटा, अचानक मीरा की माँ की तबीयत खराब हो गई, इसलिए मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर लेने नहीं आ सका। अरे मीरा, मीरा बेटी, श्याम आया।
शर्मा क्यों रही हो? ये है श्याम। श्याम बेटा, डॉक्टर साहब आए हैं, मैं उनसे मिलके अभी आता हूँ, तुम दोनों बैठकर बातें करो। आपका नाम मीरा है जी? आपकी कोई बहन है? नहीं तो क्यों? कुछ नहीं, मैं ऐसे ही आया था। बेटा, मीरा की माँ तुम्हें देखने के लिए बेचैन है। अरे मीरा, शाम को चाय वाय नहीं पिलाई? जाओ जल्दी से फर्स्ट क्लास गर्म चाय बना के लाओ। आओ बेटा। मीरा की माँ, शाम आ गया है। नमस्ते। जीते रहो बेटा। डॉक्टर, यही शाम है। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। अच्छा माँ जी, अब मैं चलता हूँ। अच्छा, अच्छा शर्मा जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर। बैठो बेटा। नहीं माँ जी, मुझे भी आ गया दीजिए। क्यों? एयरपोर्ट से सीधा आप लोगों से मिलना चला आया हूँ, फिर आऊंगा। बेटा, अब तो ये तुम्हारा ही मकान है जी। नमस्ते। नमस्ते। कितना अच्छा लड़का है। शर्मिला भी सुनिए, आप जा रहे हैं, चाय नहीं पीजिएगा? जी नहीं, थैंक यू। जी हाँ, राधा यहाँ नौकर थी। ओह, अच्छा तुम्हें मालूम वो कहाँ रहती है? जवाहर नगर में डाकखाने के पास। जवाहर नगर। सुनिए, आप इस मोहल्ले में रहते हैं? जी हाँ, क्यों? मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ, शायद आप उसे जानते हो। क्या नाम है उसका? उसका नाम राधा है। राधा? शंकर प्यारे, नाम नोट करो इनका। तुम तो थे ही थे, एक और मिले हैं राधा बाई के आशिक। क्या ये क्या है? अभी तो न जाने और कितने मिलेंगे राधा बाई के आशिक। क्या पकते हो? इस मोहल्ले में राधा नाम की सिर्फ एक लड़की रहती थी, जो अपना मुंह काला करके और सारे मोहल्ले का नाम रोशन करके भाग गई है। खामोश रहिए, मैंने सिर्फ आपसे राधा का पता पूछा था। किसी से भी पूछ लेते उस आवारा बच्चलन का पता। वैसे सीधे चले जाइए, लेफ्ट टर्न, पहला मकान, ग्राउंड फ्लोर। थैंक यू। लगता है कोई गहरी चोट खाई है बेचारे ने। चलो गुरु, देर हो रही है, गाड़ी स्टार्ट करो। उस पलमूही का नाम लेकर अपनी जुबान गंदी मत करो। सूरत शक्ल से तो भले घर के मालूम पड़ते, ना जाने उस चुड़ैल ने कितने लड़कों का घर बर्बाद किया होगा। मगर आपने ये तो पूछा होगा कि वो जिस बच्चे की माँ बनने वाली थी वो किसका था? किसका था बताओ? इस गिलास में जो पानी है वो किसी नल का है, नदी का है या कुएं का? जी, बच्चलन लड़की का एक ही यार नहीं होता। जो लड़की बिना शादी के माँ बनती है, जानते हो उसे क्या कहते हैं? पतिता। क्या एक वेश्या बता सकती है कि उसकी होने वाली औलाद किससे है? आप उसकी माँ होकर ऐसा कह रही हैं? इसलिए कि तुम्हारी ये बंद आंखें खुल जाए। जाओ, फिर कभी मत आना यहाँ। अरे अभी तक तुम तैयार नहीं हुए। बाबूजी, मुझे मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं नहीं जाऊंगा बाबूजी। तुम बहाने बना रहे हो, तुम्हारे एंगेजमेंट की पार्टी तुम नहीं जाओगे तो शिवचरण से मैं क्या कहूंगा? क्या हुआ? मैं इतनी जल्दी शादी करना नहीं चाहता हूँ बाबूजी। क्यों नहीं शादी करना चाहते? मैं चाहता हूँ पहले बिजनेस में आपका हाथ बटाऊं और लाइफ में सेटल हो जाऊं। वो तुम शादी के बाद भी हो सकते हो, बल्कि आदमी शादी के बाद ही सेटल होता है। और ये मत भूलो शाम, मैं शिवचरण को जबान दे चुका हूं और लड़की भी तुम्हें पसंद है कि नहीं? हाँ बाबूजी। तो तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अब नखरे मत करो भैया, जल्दी से तैयार हो जाओ, देर हो रही है, जल्दी से तैयार हो जाओ। मिठाई तो खाओ भाई। हाँ भाभी लो। नहीं, मैं शिवचरण, तुम्हें तो छुट्टी मिल गई,
कहाँ छुट्टी मिलती है? अरे मीरा की शादी होते तुम्हारी जिम्मेदारी तो खत्म। जिम्मेदारियाँ कहाँ खत्म होती है? मीरा की शादी के फौरन ही बाद इनका ऑपरेशन कराना है। मैं तो चाहता हूँ जितनी जल्दी मीरा की शादी हो जाए उतना अच्छा है। तो फिर देर किस बात की? मैं भी यही चाहता हूँ कि शाम का घर बसते ही इसके हाथ पीले कर दूं। बाबूजी मैं नहीं चलती। भाभी आप में कुछ जादू है। भैया के सर में दर्द हो रहा था, आपको देखते ही जाता रहा। कॉफी लेंगे? भैया तुम्हें नहीं देखा जी? नहीं। मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। कल ही पूछना चाहती थी पर आप अचानक चले गए। हम दोनों पढ़े लिखे हैं और आज के इस नए दौर में हमारी परवरिश हुई है। कहना क्या चाहती हो? यही कि मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ, अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ नहीं जा सकती। आप मर्द हैं, आपके लिए कोई बंदिश नहीं। मैं अब भी कुछ नहीं समझा। आज की ये पार्टी मेरे और आपके जीवन भर का फैसला है। अगर आप किसी और को चाहते हैं तो सिर्फ हाँ कह दीजिए, मैं शादी से इनकार कर दूंगी, आप आजाद हो जाएंगे। बच्चे ने लड़की का एक यार नहीं बना। जो लड़की बिना शादी के माँ बनती है जानते हो उसे क्या कहते हैं? पतीता। इस मोहल्ले में राधा नाम की सिर्फ एक लड़की रहती थी जो अपना मुंह काला करके और सारे लक्ष्मण का नाम रोशन करके भाग गई। और लड़की भी तुम्हें पसंद है कि नहीं? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। विश्वास कीजिए मैं आपकी बीवी बनना चाहती हूँ, बोझ नहीं बनना चाहती। तुमने गलत समझा है। मुझे ऐसा लगा जैसे आप शादी करना नहीं चाहते। हाँ शादी करना नहीं चाहता था इसलिए कि मैं तुम्हें जानता नहीं था, मगर अचानक इस थोड़ी सी देर में मैंने तुम्हें जान भी लिया, पहचान भी लिया। आज के बाद कभी अपने मन में यह ख्याल भी न लाना कि मेरे मन में तुम्हारे सिवा किसी और की जगह है या कभी हो सकती है। सो रहा है? हाँ, अभी भी सो गया। तुम इसका नाम क्या रखोगे? अभी तक नहीं सोचा, वैसे बच्चे का नाम तो उसका पिता ही रखता है। राधा मैंने आज तक तुमसे कुछ नहीं पूछा, आज मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि इसका पिता तुम्हें अपनाने से पीछे तो नहीं हटेगा। नहीं नहीं मुझे उन पर पूरा विश्वास है, लेकिन वो हिंदुस्तान से बाहर गए हुए हैं। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम उससे शादी करके इज्जत की जिंदगी गुजारो। अरे हाँ आज मीरा की शादी। हाँ? मैं तुमसे कहना ही भूल गया, आज सुबह इन्विटेशन कार्ड मिला है। अच्छा मैं चलता हूँ। आप शादी में जा रहे हैं ना? हाँ। मैं इस वक्त और तो कुछ नहीं दे सकती मीरा को, कम से कम मेरी तरफ से मुबारकबाद दे दीजिएगा। जरूर दूंगा। अच्छा यकीन नहीं कर सकती, ऐसा नहीं हो सकता, हरगिज नहीं हो सकता। मैंने ये शादी नहीं होने दूंगी, हरगिज नहीं होने दूंगी।
भगवान तेरी जैसी बेटी सबको दे। बस माँ की एक ही नसीहत याद रखना बेटी, पति परमेश्वर होता है, उसके किसी भी दोष को अपना लेना, उस पर पर्दा डाल देना, यही स्त्री का धर्म है, यही उसका कर्तव्य है। माँ, बेटी। चलो बेटी, सब लोग राह देख रहे हैं। सुखी रहो बेटी, दिनू काका, माँ का ख्याल रखना, दिनू काका, मीरा। बच्चा किसका है? शादी वगैरह में दिया होगा किसी का। बहन, कल तक जो मेरा था अब उस पर तुम्हारा अधिकार है। तुम्हारे पति यानी श्याम ने मेरी मांग में सिंदूर भरकर भगवान के सामने मुझे अपनी पत्नी स्वीकार किया था, जिसकी निशानी ये बच्चा है। मेरी किस भूल की श्याम ने मुझे सजा दी है मैं नहीं जानती। अगर फेरे होने से पहले पहुंच जाती तो ये शादी हर किस नहीं होने देती, मगर मेरी जिंदगी बर्बाद होनी थी, हो गई। भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। जब तुम ये खत पढ़ रही होगी मैं तुम्हारी जिंदगी से बहुत दूर जा चुकी होंगी, इसलिए एक अभागिन की आखिरी पिनती है बहन, तुम इस बच्चे को अपना कर, इसका सही अधिकार इसे दिला देना, क्योंकि तुम्हारे पति इसके पिता हैं। तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए मेरे पास सिर्फ एक सबूत है, श्याम का खत जो उसने मुझे इंग्लैंड से लिखा था। इस खत की दूसरी तरफ मैं ये चिट्ठी लिख रही हूं। बन्ने खान। हाँ भाई मियां। थोड़ी देर में बारात यहां से रवाना होने वाली है, दूल्हा दुल्हन के स्वागत के लिए किसी को होना चाहिए। तो मैं चला जाता हूँ, हार मार लेकर खड़ा रहूंगा, आप दूल्हा दुल्हन को लेकर आ जाओ। यही मैं तुमसे कहना चाहता था, मेरी गाड़ी लेकर चले जाओ। भाई मियां, गाड़ी वाड़ी फंस जाती है भीड़ में, जल्दी के काम है तो सेकल ही काम आती है। चार पैडल मारे और शू शां करके पहुंच गए, मैं चलता हूं शॉर्टकट से। गुलाम लो बादशाह, गुलाम। गुलाम छोड़ो, गुलाम रानी को। तुम्हें छोड़ दिया मेरी जान तो हमारा क्या होगा? मियां ये हम बता देते हैं आपका क्या होगा। पहले यार इस लड़की को छोड़ दो, चल फुट आगे बढ़। देखो मियां, अगर हम आगे बढ़ गए तो आपके ये भतीजे आपके अपने हाथ में आ जाएगी। ये बात है जगू, दरानी को संभाल। मियां आप तो बड़ी जमा मारती दिखा रहे, जरा पेपला लेकर आओ नहीं तो मार खा जाओगे। देखो मियां देखो, हम अपना मुंह तो पान खा के लाल करते और दूसरे का झां पड़ते। यहाँ अल्लाह फूल से डर गए। देखा ये भोपाली पैंतरा। चलो चलो चलो।
आपने तो कमाल कर दिया बेबी। ये सड़क रात को अकेले जाने की है क्या? वो तो अल्लाह ने खैर कर दी कि मैं आ गया। चलो चलो आपको घर तक पहुंचा दूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी। बचपना तो करो माता, मैं साइकिल लाता हूँ, चुपचाप उसके कैरियर पर बैठ जाओ, घर छोड़ दूंगा। मीरा, आज तक मीरा शाम की दीवानी थी, लेकिन आज से शाम मीरा का पुजारी है। आप उस देवी से मेरा मुकाबला कर रहे हैं? तुम भी किसी देवी से कम नहीं हो, यह मैंने एक ही मुलाकात में समझ लिया था। जितना पवित्र और निर्मल तुम्हारा नाम है, उतना ही सुंदर रूप। आओ, तुम्हारी ये सुंदरता में और चार चांद लगा दूं। यह मेरी स्वर्गीय मां का तोहफा है। उनकी ये आखिरी इच्छा थी कि उनकी बहू उसे पहने। मां का ये तोहफा स्वीकार करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं। कहो ना, क्या कहना चाहती हो? पहले वचन दीजिए, अगर आपको मेरी बात बुरी भी लगे तो आप मुझे माफ कर देंगे। चलो, वचन भी दिया और माफ भी किया। सोच लीजिए, वचन देना बहुत आसान है और निभाना उतना ही मुश्किल। आसमां के देख लो, कह डालो अपनी मन की बात, मुस्कुराकर सुनूंगा और हंसकर माफ कर दूंगा। मैं बच्चे की मां हूं। मैं एक बच्चे की मां हूं। मीरा, अगर आप मुझे माफ करने का वचन न देते तो मैं कभी ना बताती। चुप रहो। अभी तो आपने कहा था मुस्कुरा कर सुनूंगा और हंस कर माफ कर दूंगा। आप अपने वचन से फिर गए तो मैं कहीं की ना रहूंगी। भगवान के लिए मेरी लाज रख लीजिए और बच्चे को अपना कर उसे बाप का प्यार और औलाद का अधिकार दे दीजिए। बाप का प्यार? दूर हो जाओ मेरे सामने। बाबूजी की तबीयत खराब हो गई है, जल्दी चलो। वो कौन? वो कौन? भाभी, बाबूजी के पास है। अब बस भी करो श्याम, मेरी तरफ भी देखो, मैं बीमार हूं। अब कैसी तबीयत है बाबूजी? मेरी तबीयत कहाँ खराब, लेकिन ये डॉक्टर करे कि मेरी तबीयत खराब है। देखो भाई शुक्ला जी, मजाक में टालने की बात नहीं, तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। तो क्या कर क्या रहा हूँ मैं? मीरा, इन्हें पलंग से बिल्कुल मत उठने दे। अरे तुम कितनी पाबंदियां लगाओगे डॉक्टर? तुमने प्रैक्टिस बंद करवा दिया, ऑफिस जाना छुड़वा दिया। अरे भाई शाम के होते हुए तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं, आराम की जरूरत है। शाम डॉक्टर को ले जाओ। ले जाओ, मैं 3 बजे फिर तुम्हें देखने आऊंगा। तुम तो पीछे ही पड़ोगे मेरे। बाबूजी, मैं आपके लिए जूस लाती हूँ। खैर खैर, जूस की जरूरत नहीं है। तुम दूध में बादाम घोट के उसमें मिश्री डाल के ला सकती हो, तो उसकी मुझे जरूरत नहीं, शैम को पिला दो। देखो बेबी, रोने से काम गलत नहीं होता। आज तो रो जा रही हो,
आपने मुझे क्यों बचाया? मैं तो मर जाना चाहती थी, मैं बहुत गुनाहगार हूं। ये हम कैसे मान लें? नाम आपने बताया है राधा, गुनाह तो हो ही नहीं सकता इस नाम से। हाँ बीबी, जिस दिन राधा गुनाह करेगी सारी दुनिया गुनाहगार हो जाएगी। मैं अभी यहाँ से जाना चाहती हूँ। लेकिन आप जाएंगी कहाँ पहले ये बता दो। ये तो मैं खुद भी नहीं जानती। तो यहीं रह जाओ ना आप, तो हमारे कोई बहन नहीं है, आप बन जाओ भाई बना कर देखो, अल्लाह कसम शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपको। बीबी जान दे देंगे आपके वास्ते, आजमा कर देख लो। हाँ बीबी। भैया बीबी, बचपन से रोता था बहन के लिए, किस्मत में नहीं थी, अल्लाह ने दे दी। Oh.
जीते रहो बेटी। बाबूजी, आपको डॉक्टर ने बिस्तर से उठने के लिए मना किया है, आप आराम कीजिए। आराम ही कर रहा था बेटी, बहुत दिनों के बाद आरती सुनकर अपनी छोटी बहन की याद आ गई। वो भी यही आरती किया करती थी। सुभद्रा मेरी एक ही बहन थी, वो और उसका पति मोटर एक्सीडेंट में एक साथ चले गए। श्याम उस वक्त 6 साल का था। बेटी मैंने आज तक उसे किसी बात की कमी नहीं होने दी। अगर तुम्हें किसी बात की तकलीफ है तो तुम भी मुझसे कहो। क्या बात है बेटी, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों? बाबूजी, मैं एक उलझन में पड़ गई हूँ। वही मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ बेटी, क्या उलझन है? बाबूजी, मेरी एक सहेली थी, पिछले साल उसकी शादी हुई, 6 महीने के अंदर ही पति का साथ छूट गया। वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी। 8 दिन का बच्चा मुझे देकर खुद पे चली गई। बाबू जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। वो बच्चा कहाँ है? मेरी माँ के पास, और वो ऑपरेशन के लिए बाहर जा रही है। ओ, तुमने सोचा तुम क्या करना चाहती हो? हाँ, सोचती हूँ उसे अनाथ आश्रम भेज दूँ। अनाथ आश्रम? अगर तुम्हारी सहेली चाहती तो खुद उसे अनाथ आश्रम भेज सकती थी। उसे तुम पर भरोसा था, इसलिए तो बच्चा तुम्हें सौंप गई है ना? हाँ बाबूजी। तो इसमें उलझन की क्या बात है? बच्चों को यहाँ ले आओ। यहाँ? हाँ, तुम्हारी उलझन भी दूर हो जाएगी, मेरा दिल भी बहलता रहेगा। यही ठीक है बेटी, बच्चे को यहाँ ले आओ। अरे कमाल है यार, लोग तो शादी के बाद घर जल्दी जाने की सोचते हैं और तुम अभी तक यहीं बैठे हो। जाओ भाई, घर में भाभी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। चुप रहो राजन। क्यों, कोई गलत बात कही मैंने? मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ, कुछ काम है तो कहो। एक काम की बात तो ये है कि तुम्हारी शादी की खुशी में स्टाफ को एक पार्टी देनी चाहिए। पार्टी की कोई जरूरत नहीं। I'm sorry राजन, मैं सब बहुत परेशान हूं, तुम जाओ। अरे अब आपकी तबीयत कैसी है बाबूजी? मैं खराब हो गई, तेरे अभी ठीक हूँ। ये देख बहू, मेरे दिल बहलाने के लिए कितना सुंदर खिलौना लाई है। किसका बच्चा है? उसकी सहेली का कोई अनाथ बच्चा है। बाबूजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या हुआ, तू परेशान क्यों? देख जरा किसी का टेलीफोन आया, देख। अरे भूतू, अरे भूतू। हेलो, कौन? श्याम। देखो बेटा, आज मैंने तुम्हारे बाबूजी का कार्डियोग्राम लिया है, उनके हार्ट की कंडीशन ठीक नहीं है। क्या, हार्ट की कंडीशन ठीक नहीं है? देखो बेटा, परेशान होने की बात नहीं है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है। ओ, जी हाँ, जी हाँ, अच्छी बात है, अच्छी बात है। किसका टेलीफोन था रे? डॉक्टर कैसे बाबू जी? मैं जानता, उसने कहा होगा कि मुझे आराम की जरूरत है। अरे श्याम, अब तो बस आराम ही आराम है, बहू के घर आते ही मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। मैं तो ऐसा कहता हूँ, भगवान करे ऐसी देवी जैसी बहू सबको मिले। क्या कर रहा था उस वक्त? कुछ नहीं बाबू जी, मैं भूल गया। यानी कोई खास बात नहीं थी? हाँ बाबू। तो जा कपड़ों बदल, बहुत तेरा इंतजार कर रही। जा। अरे क्यों नहीं भौजू मां, देख न जाने तू किसका बेटा है, लेकिन मैं तेरा दादा बन गया। अरे रोता क्यों है, रोता। तुम्हें बच्चे के स्थान में लाने की हिम्मत कैसे हुई? ममता ने मजबूर कर दिया, रह न सकी बच्चे के बिना। तुम्हें जब मुझसे कहने में शर्म नहीं आई तो फिर बाबूजी से छुपाने की क्या जरूरत थी? बाबूजी पिता है और आप पति, पिता का लिहाज करना मेरा कर्तव्य है। कर्तव्य?
तो फिर मुझे भी सिखा दो इतना अच्छा नाटक, ताकि जिंदगी भर तुम्हारे पति का रोल अदा कर सको। इससे तो अच्छा आप मुझे माफ कर दें। अब जो प्रायश्चित कहे मैं करने के लिए तैयार। चुल्लू भर पानी में डूब मरो और साथ में उस बच्चे को भी ले जाओ। वो यहाँ नहीं रह सकता। वो यही रहेगा। मैं बाबूजी से इजाजत ले चुकी हूँ। और बाबूजी तुम्हें देवी समझ रहे हैं। मैं तुम्हारा असली रूप उन्हें दिखा देता, लेकिन मजबूर हूँ, क्योंकि वो इतना बड़ा धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकते, और तुम इस कमजोरी का पूरा फायदा उठाना चाहती हो। जी नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहती हूँ, गलती किससे नहीं होती? अगर आपसे हुई होती, मेरा उस मासूम बच्चे का क्या दोष? उसका पिता कौन है उसके माथे पर नहीं लिखा। आप चाहें तो उसे अपना समझ सकते हैं। ये नामुमकिन है। बेबे, जरा बाहर तो आओ। ये लो। क्या है? साड़ियां माड़ियां हैं। आप तो अपने मुंह से कभी कुछ मांगोगी नहीं, हम ही ले आए। लेकिन ये आप क्यों लाए? मेले कपड़े पहन के आप तो अपना काम चला लोगी, गालियां हमें खानी पड़ेगी। हाँ बेबे, लोग कहेंगे कैसा कमीना है ये शिकारी बनने का भोपाली, भेंग का ख्याल नहीं करता। और कितने एहसान करोगे भैया, मैं कब तक बोझ बनी रहूंगी आप पर? बेबे, आप तो बहन भाई के रिश्ते का मजाक उड़ा रही, शर्मिंदा कर रही हो हमें। ये बात नहीं है भैया, मेरा मतलब था कि जब से मैं यहाँ आई हूँ, आराम के सिवा किया ही क्या है मैंने। आप तो कमाल कर रही हो बेबे, इस कबाल खाने को घर बना दिया है आपने। अरे एक भी मकड़ी का जाला नजर नहीं आता, खटमल तो खटमल, मच्छर तक भाग गए हैं यहाँ से। अजोदर। हाँ मास्टर। बीबी के आने से पहले कभी चूल्हा जला था इस घर में? चूहे दौड़ते थे मास्टर। लो, चूहों का तो हम भूल ही गए। भैया, मेरी एक बात मानेंगे आप? आप के तो देखो। मैं नौकरी करना चाहती हूँ। ये बात कैसे आई आपके दिमाग में? नौकरी क्यों करेंगे आप? घर में दिल नहीं लगता, कहीं आना जाना नहीं, कोई सहेली भी नहीं, और फिर आजकल तो सभी लड़कियां काम करती हैं भैया, काम करूंगी तो दिल बहला रहेगा। ये तो ठीक रही हैं आप। तो फिर मैं कल से नौकरी तलाश करूं? आप क्यों तलाश करेंगी, हम दिलवाएंगे आपको नौकरी। आप देखो तो सही बीबी, साइकिल का धंधा करते हैं, लेकिन बड़े बड़े मोटर वालों के साथ दोस्ती है अपनी। कल सुबह ले चलेंगे आपको। चलो चलो, आप चाय माय ला। अभी ले जा। आप मुझे यहाँ कहाँ ले आए भैया? अरे यहीं तो रहते हैं भाई मियाँ, आप अंदर तो चलो। चलो बीबी, आप उठ जाओ, उठ जाओ, दूध पीने, दूध पीने, दूध पीने। अरे पीना भाई, उठ जा, चल चल चल। सलाम अलैकुम भाई मियाँ। आओ बन्ने खा, देखो किस मुसीबत में पड़ गया। अरे भाई मियाँ, ये क्या? पोता पोता। क्या कहते हो भाई मियाँ? बहू को आए घर में देर नहीं हुई है, पोता कहाँ से आ गया? मेरा पोता नहीं, बहू की सहेली का घनार बच्चा, मैंने पोता बना लिया। सो गया। देखो भाई मियाँ, कुदरत के क्या देन साथी है, नन्हे से मुंह में बोतल लगवा दी, माँ के दूध को तरसा दिए। यही तो अफसोस से बनने खा, बिन माँ बाप का। मैं इसे दूध पिला देती हूँ। संभाल कर लेना जरा। हेलो, ये कौन है तुम्हारे साथ? ये राधा बीबी, हमारी बहन है। बहन? हाँ भाई मियाँ, जैसे उसको आपने अपना पोता बना लिया, हमने उसको अपनी बहन बना लिया। बहुत पढ़ी लिखी है, सौतेली माँ के जुल्म से तंग आकर खुदकशी करने जा रही थी, हम इसे अपने घर ले आए। क्या ठीक किया ना? बहुत अच्छा किया बन्ने खान। आओ बैठो। ये भी खूब हुआ बन्ने खान, मैंने पोता बना लिया, तुमने बहन बना ली। लेकिन ऐसा भाई मियाँ, क्या मेरे लिए एक बड़ी मुश्किल आन पड़ी है? वो क्या? कहती है कि अकेले घर में मेरा दिल नहीं लगता, मैं तो कोई काम करूंगी। कल रात इसकी बातों में आकर मैंने हामी भर ली और आपके पास ले आया, लेकिन आप बड़ी शर्म आ रही है। शर्म किस लिए? आप तो कमाल की बात करते हो भाई मियाँ, भाई के होते हुए बहन कायम करे, डूब मरने की बात है ना, है कि नहीं? बिल्कुल नहीं, तुमने उसे बहन बनाकर अपने पास रखा, उसकी मदद की, अब अगर दिल बहलाने के लिए कोई काम करना चाहे तो उसमें बुराई क्या? ये कह के आपने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया भाई मियाँ, अब एक मेहरबानी और करो। हाँ बोलो।
बीबी को कहीं काम दिलवा दो। कहीं क्यों, अपने ऑफिस में काम दिलवा देंगे। तुमने कहा ना लिखी पड़ी है। हाँ भाई, तो उसे ऑफिस भेज देना, मैं शाम से कह दूंगा। लो बीबी। आज के दिल के बहलने का इंतजाम तो हो गया है, भाई मियाँ के दफ्तर में काम मिल गया है। अल्लाह का शुक्र। आओ आओ आओ, चलो झूले में लेटा दो। भाई मियाँ, ये देखो शीशी खाली। सारा दूध पिला दिया। जी हाँ, सो भी गए। बीबी ने तो कमाल कर दिया है भाई मियाँ, ऐसे सुला दिया है जैसे माँ ने थपकियाँ दे के सुला दिया हो। बन्ने खा, आखिर लड़कियाँ ही तो माँ बनती हैं। ये तो है भाई मियाँ। यस, हाँ बाबूजी ने मुझसे कहा था उसे अंदर भेज दो। May I come in? Yes, come in. तुम? आप यहाँ मिलेंगे ये तो सोचा था, पहचान लेंगे इसकी उम्मीद नहीं थी। शादी मुबारक। राधा, मैं तुम्हारी सूरत भी देखना नहीं चाहता, लेकिन अचानक यहां आ गई हो तो सिर्फ इतना बता दो, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया है, मुझसे बेवफाई क्यों की? बहुत खूब, एक तो मेरी जिंदगी बर्बाद की आपने, और बेवफाई का इल्जाम मुझे पर लगा रहे हैं। मुझे बनाने की कोशिश मत करो राधा। इंग्लैंड से वापस आते ही मैंने तुमको तलाश किया, पहले शंकर से और बाद में तुम्हारी माँ से तुम्हारे बारे में मैंने जो कुछ सुना उस पर यकीन कर लिया, और जिसने आप पर यकीन करके अपना सब कुछ लुटा दिया था उसे भूल गए। आप तो दो घड़ी दिल बहला कर चले गए थे, और मैं दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली थी। दूसरे का इल्जाम मुझ पर थोपने की कोशिश मत करो राधा। इल्जाम? और अगर मैं ये साबित कर दूं कि वो बच्चा आपका है तो? कहां है बच्चा? आप उसे औलाद का अधिकार देंगे? कह सकेंगे सबके सामने कि वो आपका बच्चा है? चुप क्यों हो गए? जवाब दीजिए। श्याम बाबू, जिस तरह आप मुझे भूल गए उसी तरह अपने बच्चे को भी भूल जाइए। कसूर आपका नहीं, मेरा था। सजा मिल गई मुझे। सजा तुम्हें मिली है या मुझे, ये तो भगवान ही जानता है। जीते जी बच्चे को नहीं बुला सकी, घर से बाहर निकलने के लिए नौकरी का बहाना ढूंढा, मगर मेरी बदनसीबी देख शांति, बन्ने भैया भी उसी के दर पे ले गए जिसने मेरी जिंदगी तबाह की, मेरे बच्चे को अनाथ बनकर जीने पर मजबूर किया। उस ऑफिस में मैं नौकरी कैसे कर सकती हूँ? ऑफिस में नौकरी नहीं करेगी तो बन्ने भैया को क्या जवाब देगी? कुछ समझ में नहीं आता, ये गलती की और कितनी सजा मिलेगी मुझे? मर जाती तो सारे दुखों का अंत हो जाता। पगली, शाम से अब तेरा क्या वास्ता? मैं तो कहूंगी भगवान ने तेरी ममता की पुकार सुनकर ही तुझे उस ऑफिस में नौकरी दिलवाई है। कभी बन्ने भैया के साथ, कभी ऑफिस के बहाने, तो अपने बच्चे को देख सकती है, उसे प्यार कर सकती है, जिसके लिए आज तो जिंदा है। शांति, राधा तू कल से ही काम पर जाना शुरू कर दे, और देख फिर कभी शाम ने तेरी तरफ झुकने की कोशिश की तो इतना याद रखना कि अब वो मीरा का पति है। शांति, एक बार तो मेरे माथे पर कलंक का टीका लग ही चुका है, फिर भी इतनी गिरी हुई नहीं कि उस देवी की सुहाग से खेलूं जिसके एहसान के आभारी मैं और मेरा बच्चा जिंदगी की आखिरी सांस तक रहेंगे। मैं जानती हूँ राधा, मैं जानती हूँ। हेलो रिचमा डार्लिंग, जाने मन रेखा, मैंने कल से तुम्हें नहीं देखा। आपका शुभ नाम? आप कौन है? मैं रेखा की भाभी। भाभी जी नमस्ते, मेरा नाम दीपक है। रेखा को कैसे जानते हैं आप? जी हम एक ही कॉलेज में हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं। बोलते जाइए। बोलता जाऊं, बोलता हूँ।
भाभी जी मैं और रेखा, रेखा और मैं, यानी हाँ हम, हाँ हम दोनों। रेखा ने आपको कुछ भी नहीं बताया मेरे बारे में? नहीं, तुमने अपने माँ बाप को रेखा के बारे में कुछ बताया? नहीं बताया तो नहीं, लेकिन वो सब समझ गए। वो कैसे? वो मेरी भूख कम हो गई है, वो रात को नींद नहीं आती, पढ़ाई में तो मन लगता ही नहीं, और डॉक्टर है ना उससे पूछा तो वो बोलता है कि मेरे को मालूम ही नहीं इसको क्या हुआ। मैं समझ गई, तुम्हारी बीमारी का एक ही इलाज है, अपने माँ बाप को लेकर हमारे घर आ जाओ। भाभी जी यू आर ग्रेट, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। मैं जिस दिन आपको मिला ना तो उस दिन मेरा सर होगा और आपके चरण कमल। लो रेखा से बात करो। किसका फोन है? कोई दीपक। ओहो, यहाँ फोन करने की क्या जरूरत थी? हाँ हाँ कल लौटा दूंगी ना तुम्हारी किताब। कौन सी किताब? क्या किताब भाई? शट अप, अंदर से कभी फोन मत करना, बहुत बोर है, मेरे साथ पढ़ता है। रेखा, जिसके साथ सारा जीवन बिताना है उसे बोर नहीं कहते क्या? दीपक ने मुझे सब कुछ बता दिया है। ओ नो, तुम्हें पसंद है वो? देखो भाभी से कभी कुछ नहीं छुपाना चाहिए, आखिर बाबूजी को मैं ही राजी करूंगी ना। भाभी, भाभी चाचा जी कहाँ गए हैं? मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। कोर्ट गए हैं। ओहो, पर कोई बात नहीं, मैं शाम को फिर आऊंगा। वाह वाह, क्या बात है भाभी। मेरी नोटबुक है। आप कविता लिखती हैं? बस यूं ही कुछ लिख लेती हूँ, लाओ। अब तो पढ़ गई, वापस करूंगा भाभी। लेकिन भाई मैं शाम को वापस आ रहा हूँ, लौटा दूंगा। मैं चलता हूँ। नमस्ते। इनकम टैक्स के लेटर का जवाब दे दिया? जी हाँ। सेल्स टैक्स के मंथली स्टेटमेंट आ गया? जी नहीं। राधा, इतना अरसा हो गया तुम्हें यहाँ काम करते हुए। जी हाँ जी नहीं, इसके सिवा मैंने कुछ नहीं सुना। चुप रहने की कसम खा लिया क्या? नहीं तो कुछ तो बोला करो, बातें किया करो, मन का बोझ हल्का होगा। जिंदगी जिसके लिए बोझ हो उसके मन का बोझ कैसे हल्का हो सकता है? राधा क्या तुम समझती हो कि मेरे जिंदगी में कोई गम नहीं हो सकता? होना तो नहीं चाहिए, किस बात की कमी है आपको? दौलत है, इज्जत है, शोहरत है और देवी जैसी पत्नी है। देवी जैसी पत्नी। भाभी जी, भाभी जी, आप रेखा की भाभी है ना? हाँ। मैंने आपको टेलीफोन के ऊपर कहा था ना कि जब मैं आपके दर्शन करूंगा तो आपके चरण कमल होंगे और मेरा सिर ऐसे। तुम दीपक हो ना? हाँ जी, मैं दीपक। मगर रेखा ने तो कहा था कि तुम अपने माँ बाप के साथ आने वाले। हाँ जा रहा हूँ, मेरा मतलब है उनको भी साथ लाया हूँ, लेकिन बाहर छोड़ के आया हूँ। मगर क्यों? वो इसलिए कि कहीं आपने मुझे पसंद नहीं किया तो मेरे माँ बाप के सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी ना। अच्छा चलो मैं उन्हें। हाँ चलिए। आइए आइए। बाबूजी, ये हैं दीपक के माता पिता। बैठिए, बैठो बैठो दीपक बैठो। बहू रेखा को ले आओ। आप बिजनेस करते हैं? जी हाँ, आपके आशीर्वाद से कपड़े की एक छोटी सी दुकान। क्या बात करते हैं पिताजी, 100x60 की दुकान है, 6 दरवाजे हैं, माल भरा पड़ा है, रेशमी सूती ऊनी खादी टर्लिन टर्कोट, बहुत माल है लाखों का। दीपक चुप हो जाओ। मैं चुप हो गया पिताजी, आगे की बात आप कीजिए। बात सिर्फ इतनी सी है बैरिस्टर साहब, हमने रेखा को देखा है, हमें बहुत पसंद है, अब अगर दीपक से रेखा की शादी हो जाए तो हमारा सौभाग्य है। मेरा भी, हमारा
देवी दयाल जी आओ बेटिया। देखिए देवी दयाल जी, जी जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो शादी का फैसला भी कर ही चुके हैं, हमें आपको तो सिर्फ हाँ बोलना है। जी हाँ। लीजिए इसी बात पर मुंह मीठा कीजिए। हेलो बेटा लीजिए। अरे अभी तक तुम गई नहीं? मुझे भी लेटर टाइप करने हैं। अच्छा तो मेरा भी एक लेटर टाइप कर दो। देखिए क्या लिखना है। लिखो माय स्वीटहार्ट, अगर तुम्हें डार्लिंग पसंद है डार्लिंग लिख लो। मिस्टर राजा, सच कहता हूँ राजा, जब से तुम इस दफ्तर में आई हो मैंने तुम्हें कितने इशारे किए लेकिन तुमने एक का भी जवाब नहीं दिया। देखिए मुझे इस किस्म की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों, कोई बॉयफ्रेंड है क्या? मैं जल्दी भूलता नहीं हूँ राधा, मैं सिंसर को याद रखूंगा। और ये भी याद रखिएगा कि मेरे भाई का नाम बन्ने खां है। शिकारी बन्ने खान भोपाली। अरे भाई भैया सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ कैसे? तुम्हें दावत देने आया हूँ। किस बात की? कल मुन्ने का जन्मदिन है, तुम्हें आना है। जरूर आएंगे। और राधा को भी साथ लाना। ये भी कोई कहने की बात है भाई भैया, खुशी के मौके पर जहाँ भाई वहाँ बहन। अच्छा चलता हूँ मैं। ऐसे कैसे हो सकता है, चाय माय पी कर जाओ। पर वक्त कम है, बहुत सी जगह जाना, दावत देने। ये हो ही नहीं सकता भाई भैया, चलो चाय के बगैर नहीं जाने दूंगा। आइए आइए। भैया डॉक्टर कैलाश। कांग्रेचुलेशन शाह, बधाई हो मेरा। अरे वाह कितना प्यारा बच्चा है। आप लोगों ने इसे सहारा देकर बहुत अच्छा किया। डॉक्टर कैलाश की और मीरा की जान पहचान काफी गहरी मालूम होती है। बधाई हो बहू। भगवान करे कि असली बधाई देने का मौका जल्दी आए भाई। हाँ बहू, पराया तो फिर पराया ही होता है। पराया क्यों, ये भी तो अपना ही है। इसे गोद से उतारने को जी तो नहीं चाहता है मीरा, लेकिन डिस्पेंसरी में मरीज इंतजार कर रहे होंगे इसलिए जाना ही पड़ेगा। कम से कम मुंह तो मीठा करके जाइए। हाँ मुंह तो मीठा करना ही पड़ेगा। संभाल के दीपक, क्या लिया इतना बड़ा? जी आपके लिए नहीं बच्चे के लिए। माफ कीजिएगा। तुम्हारे पिताजी नहीं आए? जी वो तो गए। कहाँ गए? मकान पे। हाँ आपको उल्टा समझे थे, अभी आ जाएंगे। माफ कीजिएगा। भतीजे के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो और तुम्हारी और मेरी जल्दी सगाई हो। बधाई हो भाभी। माफ कीजिएगा, सारी मार्केट में ढूंढकर ऐसा तोहफा लाया हूँ कि बच्चा तो खेले ही खेले। बच्चा बहुत छोटा है। ओ अच्छे का बात खेले। आओ 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 राधा आओ। जन्मदिन की बधाई हो। बधाई तो हो लेकिन तुम लोग ने इतनी देर क्यों कर दी? बात ऐसी है भाई भैया कि बात ही बात में राजा बीबी ने बात कर दी। क्या? कि बच्चे का जन्मदिन है, गाना बजाना तो होना ही चाहिए। बस ये बात हमारे दिमाग में बैठ गई और हम इनको ले आए। आओ भैया तुम जाओ भी। मैंने पहचाना नहीं इन लोगों को। ये नजाकत अली, ये शराफत अली। अच्छा भाई भैया इनमें नजाकत कम है, शराफत ज्यादा है। आप लोग गाना वाना गाएंगे? जी हाँ सूर, बच्चे के जन्मदिन में बधाई गाएंगे। आज भी नहीं आप ले आ। बहू
बच्चे को ले आओ, आओ बच्चे लोग सब आओ, आओ आओ बच्चा, वो 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 अरे हैप्पी बर्थडे होगा, चलो फूको 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 फूको, ओ फू फू, ताली बजाओ ताली बजाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। तरह गाना गाओगे तो हमारे मुंह पे कालक लग जाएगी, कैसा लगता है मियां जैसे पट्टियों पर से उठकर आए। क्या नाम बताया था आपने? शराफत नदाकत। मियां मजाक मत करो, माँ बाप ने गलती की, वरना आपकी आवाज में ना शराफत है ना नदाकत। चलो पीछे खड़ जाओ, हम खुद गा लेंगे मजाई। बन्ने खा, तुम गाते भी हो? ऐसा है भाई मियां कि ये रंग तो आपने हमारा देखा ही नहीं। शकीला बानो भोपाली का नाम सुना है आपने? हमारी शागिर्द है। अच्छा, अरे बचपन से उनको गाना सिखाया, वो आगे बढ़ गई तो हम पीछे हट गए। चलो पीछे सर को हटा, हटा ना पीछे, चलो तुम्हारे ये रंग भी देख ले। ऐसी चीज सुनाए के महफिल दे ताली पे ताली, वरना अपना नाम नहीं है बन्ने खां भोपाली। मुन्ने मियां बधाई बनो खूब होनहार, दोनों जहां की नेमतें हो आप पे निसार। हाँ बचपन हो खुशगवार, जवानी सदा बहार, अल्लाह करे ये दिन यूं ही आए हजार बार। जीना तो है उसी का, अरे जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। हाँ जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना। जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। किसी ने कहा तू है तारों का राजा, किसी ने कहा आजा मेरे पास आजा, किसी ने दुआ दी किसी ने बधाई, सबकी तो आंख का तारा बने तेरी ही रोशनी में चमके तेरा घराना। है काम आदमी का, है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।
लगा के तू पढ़ना, हमेशा आगे बढ़ना, सच का दामन ना छूटे चाहे ये दुनिया रूठे, काम तू अच्छे करना, सिर्फ अल्लाह से डरना, सभी को गले लगाना, मोहब्बत में लुट जाना। मोहब्बत वो खजाना है, कभी जो गम नहीं होता है, जिसके पास ये दौलत उसे कुछ गम नहीं होता, जिसके पास ये दौलत उसे कुछ गम नहीं होता। मेरा तेरा करके जो मरते, गोरे काले में भेद करते, उनको ये समझाना, सब लोग हैं बराबर, इतना न भूल जाना, है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना। माशे अल्लाह वो बात है, अभी से तड़पेंगे दिल हजारों, गुजरोगे जिस गली से, गोली में जब बिठा के लाओगे फुलझड़ी को, जिंदा रहे तो हम भी देखेंगे उस घड़ी को। अल्लाह ने चाहा तो हम उस दिन भी आएंगे, बधाई हमने गाई है तो हम सेरा भी गाएंगे, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम उस दिन भी आएंगे, बधाई हमने गाई है तो हम सेरा भी गाएंगे, बधाई हमने गाई है तो हम सेरा भी गाएंगे। चांद सूरज आएंगे नीचे, दूल्हा दुल्हन के आगे पीछे, फूल बरसाएंगे, आएगा जब खुशी का, हंसता हुआ जमाना, है काम आदमी का, है काम आदमी का, औरों के काम आना, जीना तो है उसी का, जिसने ये राज जाना, पार्टी से उठकर चले आए, कितनी बुरी बात है। नहीं तो क्या जलील होने के लिए बैठा रहता? क्या हुआ? वही जो तुम चाहती थी, तुम्हारा कलंक छुपाने के लिए मुझे लोगों का स्वागत करना पड़ा, और न जाने किस कमीने की औलाद के जन्मदिन पर बधाई कबूल करनी पड़ी। और भी कुछ बदला लेना बाकी है? नहीं नहीं, आप गलत समझ तो रहे हैं। साहब के बच्चे के जन्मदिन मनाने की क्या जरूरत थी? बाबूजी उसे पोता मानते हैं, पार्टी भी उन्होंने दी, इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर तुम्हारा नहीं, कसूर तो मेरा है, क्योंकि मैं अपने बीवी के बच्चे का बाप नहीं बन सका। चली जाओ यहां से, चली जाओ। आपको साहब बुला रहे। आप? जी मैं। आज शाम नहीं आएगा, दरवाजा बंद है और ऑफिस साउंड प्रूफ, न तुम बाहर जा सकती हो और न तुम्हारी आवाज। आप होश में तो हैं? तुमने तो मुझे मदहोश बना दिया, आज मैं अपनी इन शर्ट का बदला लूंगा। छोड़ दे मुझे, बदमाश। वो चीजें मैं कभी नहीं छोड़ता, एक दौलत, एक औरत। चलो इसी बहाने तुमने अपने होंठों से हमें छू तो लिया, लेकिन सिर्फ कलाई तक क्यों? जाओ।
क्षण मानी चाहिए। आओ बेटी आओ, आओ आओ आओ, घबराओ मत, आओ आओ बेटी। क्या सोच रहे हो मेहता जी, बाबूजी को टेलीफोन करो। आंसू पहुंच डालो बेबे, उस कमीने राजन ने आपकी इज्जत पर हाथ डाला, हम खून पी जाएंगे उसका। चलो चलो हमारे साथ। मेहता जी। जी बाबूजी। क्या गड़बड़ हो गई, किसने टेलीफोन किया था आपने? गजब हो गया बाबूजी, राजन बाबू ने। राजन बाबू ने क्या? जी राजन बाबू ने। कहिए ना राजन बाबू ने क्या किया, इधर आइए मैं बताता हूँ। चलिए अपने कमीने पन का इनाम तो लेते जाओ। बन्ने खान, सुनो बन्ने खान। सुनना क्या है भाई मियां? आप पहले इसको देख लो, बहन को हमने काम करने के लिए भेजा था, इज्जत लुटवाने के लिए नहीं, मैं इसका खून पी जाऊंगा। अरे बन्ने खान, जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे अफसोस है, राजन की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। चाचा जी, आप इससे माफी मांगो जिसने सबके सामने मेरी बेइज्जती की, इस गुंडे से। गुंडे हो तुम और साथ साथ कमी नहीं, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अच्छी बात, मैं जाता हूँ, लेकिन इस इंसल्ट को मैं याद रखूंगा चाचा जी। अंदर आ बन्ने खान। नहीं भाई बहन, इस वक्त हम घर जाते हैं। चलो बेबी चलो। अरे सत्यानाश हो जाए उस बन्ने खान का, कितना मारा है मेरे लाल को। अरे बस करो माँ बस करो। अरे मैं पूछती हूँ कि तुझे इतनी मार पड़ी और देवर जी चुप रहे? तमाशा देख रहे थे माँ, और जब मैंने इंसाफ करने के लिए कहा तो मुंह पर तमाचा मारते मुझे सबके सामने ऑफिस से बाहर निकाल दिया। आग लगे ऐसी ऑफिस में, अपने सगे भाई की बेटी के साथ में ऐसा बर्ताव? मैंने भी देवर जी से तेरे अपमान का बदला न लिया तो मैं तेरी माँ नहीं। हाँ तुम फिक्र मत करो माँ, बदला तो मैं लूंगा, ऐसा बदला कि चाचा जी और श्याम कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रहे। तो राजन ने आप लोगों से कहा कि मीरा जिस बच्चे को यहाँ लाई है वो उसकी सहेली का नहीं बल्कि उसका अपना है? जी हाँ। राजन ने ऐसा क्यों कहा यह मैं जानता हूँ, अब ये जानना चाहता हूँ कि आप लोगों ने उसकी बात का यकीन कैसे किया? शादी ब्याह का मामला जी है। जी हाँ, शादी ब्याह का मामला है, आप लोगों को ये जरूर पूछना चाहिए जी। अब अगर आप लोग चाहें तो इस रिश्ते को खुशी से तोड़ सकते हैं जी। देखिए देवीदयाल जी, मैं अपने बेटे का ब्याह ऐसे घर में नहीं करना चाहता जहाँ लोग कान के कच्चे हैं। लीजिए आप तो बुरा मान गए, आखिर राजन आप ही का रिश्तेदार है, जो कुछ उसने हमसे कहा वो हमने आपसे कह दिया। फिर भी आप हमें माफ कर दीजिए शिकला जी। मीरा को आप लोग जानते नहीं देवदयाल जी, दरअसल आजकल के जमाने में ऐसी बहू मिलना नसीब की बात है, दीपक और रेखा का रिश्ता उसी ने पसंद किया। फिर भी अगर आप लोगों को कोई संकोच हो। कैसी बातें करते हैं शुक्ला जी, अब तो सगाई के तारीख ही पक्की करनी है। अच्छा अब हम चले, नमस्ते। चलो दीपक। नमस्ते। रुक जाइए, भगवान के लिए रुक जाइए, अब ये बच्चा इस घर में नहीं रह सकता। मेरी बात तो सुनिए। क्या हुआ बच्चे को शाम, कहाँ ले जा रहे थे? मैं जवाब क्यों नहीं देते? इसे अनाथ आश्रम में भर्ती कराने ले जा रहा हूँ। अनाथ आश्रम किस लिए? आज इसकी वजह से रेखा की मंगनी टूटने वाली थी। इसलिए तुम इसे अनाथ आश्रम ले जा रहे हो? अरे लोग मूर्ख हो जाए तो उसमें बच्चे का क्या दोष, लोग तो कुत्ते बिल्ली के बच्चे को पालते हैं, ये तो इंसान का बच्चा है। बहु ले जाओ उसे। बाबू जी हमने कोई अनाथ आश्रम खोलकर नहीं रखा है। What nonsense! जब मैंने तुम्हें गोद लिया था तो यह घर अनाथ आश्रम नहीं था, कम से कम तुम्हें तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। थैंक यू बाबूजी, मैं भूल गया था कि मैं एक अनाथ हूं। अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिलाई। श्याम श्याम
शाम को क्या हो गया? तो बच्चे के यहाँ रहने से तू क्या इतराज? खैर चले जाओ ऊपर जा। हम अंदर आ सकते हैं भाई मियाँ? अरे आओ आओ बन्ने खान, क्या बात है वहां क्यों रुक गए? आज के ऑफिस में हमने राजन को मारा, उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं, आपसे माफी मांगने आए। लेकिन क्या करते भाई मियाँ, बहन की इज्जत का सवाल तो हमें अपने पर काबू नहीं रहा। मैं समझता हूँ बन्ने खान, आज मुझसे भी एक ऐसी बात हो गई, अपने आप को काबू में नहीं रख सका। क्या हुआ भाई मियाँ? शाम से एक ऐसी बात कह दी जो मुझे कहना नहीं चाहिए थी, वो नाराज होकर चला गया। यो, आप इतनी सी बात पर खामखा परेशान हो रहे हो, हम अभी जाके उसे ले आते। लेकिन पहले कह दो कि आपने हमें माफ किया। अरे माफी की क्या बात है बन्ने खान, तुम जैसे दोस्त से कभी गलती हो सकती है। भाई मियाँ आपने तो ऐसी बात कह दी कि दोस्त को हमेशा के लिए गुलाम बना लिया। गुलाम नहीं बन्ने खान, दोस्त हो दोस्त। भाई मियाँ छोड़ो ना, हम उसे लेके आते हैं अभी। बॉडी, मुझे कुछ कहना है। मैं नहीं देख सकती किसी को उदास, बुझाती हूँ आंखों से आंखों की प्यास। शराब नहीं हूँ मगर एक नशा हूँ मैं, सारे जमाने के गम की दवा हूँ। शराब नहीं हूँ मगर एक नशा हूँ, thank you।
कैश नहीं है, ये हार रख लो। हाथ उठाओ मियां, बड़ा। कितने पैसे हुए? ये लो काट लो। बन्ने चाचा, नमस्ते। क्यों मियां? बहू के हार को शराब की भेंट चढ़ा रहे थे आप तो, हैं? बहू? किसकी? ओ, बाबूजी की। जो उसे एक देवी समझते हैं और जिसकी वजह से आज मुझे घर छोड़कर आना पड़ा, उस देवी का असलियत कोई नहीं जानता, सिर्फ मैं जानता हूं बन्ने चाचा। वो बच्चा उसकी सहेली का नहीं, उसका अपना है। शर्म करो मियां, आप तो बिल्कुल बहक गए हो। गंदी चीज पियोगे तो गंदी बातें सोचोगे। बन्ने चाचा, मैं इंसान हूं, कोई देवता नहीं। मैं दूसरों की औलाद को अपना बच्चा कभी नहीं कह सकता। देखो मियां, शराब ने आपका दिमाग खराब कर दिया है। अब आप चुपचाप यहां से चले चलो, वरना मैं दूंगा उठा के दो हाथ। सारा नशा हिरन हो जाएगा, समझे? चलो चलो। बाबूजी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है बाबू, क्या बात है? बाबूजी, मैंने रेखा की सगाई का न्योता सबके यहाँ भिजवा दिया है। अच्छा किया। भाभी क्या अभी? जी हाँ। मैं नहीं चाहता था कि राजन इस घर में फिर से कदम रखे, लेकिन उस दिन ऑफिस में उसने जो कुछ किया उसकी वजह से आज तक मैं बन्ने खां के सामने शर्मिंदा हूँ। जानती हो तुम्हारे बारे में राजन ने दीपक के माँ बाप से क्या क्या कहा? जो कुछ कहा मैं तुम्हें कह नहीं सकता। कुछ भी हो बाबूजी, ये रेखा की सगाई का मौका है। अपने करीबी रिश्तेदार ना आए तो लोग क्या कहेंगे? राजन भैया ने जो कुछ भी किया उसे भूल जाइए, उन्हें माफ कर दीजिए। तुम सचमुच देवी हो बहू, तुमने जो कुछ किया अच्छा ही किया। रेखा बीबी की मंगनी मुबारक हो। तुम्हें मुबारक हो, तुम अकेले को आए, राजा क्यों नहीं साथ लाए? मैं तो जरा काम चला गया था, बीबी से कहा था सीधे आ जाना, आती होंगी। समझो से मिलो। चलो देखो कैसे हैं। चलो आओ राजन, अंदर आओ, बाहर क्यों रुक गए? मैं तो सिर्फ एक तोहफा लेकर आया हूँ। रेखा अंदर है, चलो उसे दे दो। रेखा के लिए नहीं, तुम्हारी लिए। मेरे लिए? तोहफा देकर खुश हो जाओगे? आओ मेरे साथ। यह है मेरा तोहफा। इसका लेटर है, पढ़ के देख लो। राजन, तुम्हारे नाम ये मेरा आखिरी खत है। जिस दिन मैंने तुम्हें बताया कि मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली हूं, तुमने अचानक मुंह मोड़ लिए। उसके बाद तुम्हारे असली रूप मेरी समझ में आया। काश मैं तुम्हारी मक्कारी को उस दिन समझ लेती जिस दिन तुमने चुपके से एक मंदिर में मेरे साथ शादी की, ताकि हमारी शादी का कोई सबूत न हो। खैर, मैं अपनी गलती और तुम्हारे फर्क को भूल कर फिर से एक नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ, एक बहुत बड़े घर की बहू बनकर। आज से मेरा और तुम्हारा कोई वास्ता नहीं, मेरा पता लगाने की कोशिश मत करना। मीरा। ये तुम्हारी वाइफ का लेटर है, उसकी हैंडराइटिंग नहीं पहचानते? राजन, किस्मत कभी कभी बड़ा खतरनाक मजाक करती है। जिस दिन तुम्हारी शादी हुई मैं सत्ते में रह गया, लेकिन मैंने जबान नहीं खोली क्योंकि तब अपने ही खानदान की इज्जत का सवाल था। लेकिन आज मुझे अपनी बेइज्जती का बदला लेना है। क्या करोगे क्या राजन? अभी तक इसका फैसला नहीं किया कि अदालत में जाऊं या इसे अखबारों में छपवा दूं। नहीं, आज की पार्टी में सभी मौजूद हैं, तुम्हारी बीवी, मेरा बच्चा, चाचा जी, रेखा और रेखा की ससुराल वाले, क्यों ना सबको एक ही साथ मालूम हो जाए। राजन, ये क्या कसब कर रहे हो? आज रेखा की सगाई है, सारे मेहमान आ चुके हैं। और मेरे लिए बेहतरीन मौका है बदला लेने का। रेखा की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, आखिर वो तुम्हारी भी तो बहन है। इस घर से मेरा रिश्ता उसी दिन खत्म हो गया
जब सबके सामने चाचा जी ने मेरी बेइज्जती होने दी और मुंह पे तमाचा मारा और तुम खामोश खड़े देखते रहे। मुझे माफ कर दो राजन, रेखा की सगाई हो जाना तो फिर तुम जो चाहो वही होगा, मगर आज घर की इज्जत का सवाल है। इस घर की इज्जत से ज्यादा मेरी इज्जत कीमती। प्लीज राजन, मैं हर कीमत अदा करने को तैयार हूँ। रियली? तो फिर इस चेक पे साइन करो। ब्लैंक चेक? अपनी इज्जत की कीमत मैं खुद भर लूंगा। गुड। शादी वादी के बाद लिखाई पढ़ाई नहीं छोड़ना। जी नहीं। हाँ मियाँ, अब आपकी सगाई हो रही है, इसके बाद हम कमें आपको पार्क वार्क में न देखें। भाई मियाँ, माफ कीजिए बैरिस्टर साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। कोई परेशानी की बात है? जी हाँ, उसे मैं अकेले में कहना चाहता हूँ। अकेले में को यही कहिए जी। वो क्या हुआ? अब आप ही पढ़ लीजिए। मीरा की गिरफ्तारी का वारंट। बिगमी, इससे पहले उसने शादी कर ली? जी हाँ, आपके भतीजे राजन से। हाँ, राजन ने चुपके से मीरा से शादी कर ली। उसे एक बच्चा भी है जिसे वो अपनी सहेली का बच्चा कहती है। ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। हम सब समझते हैं भाई मियाँ, आपको बदनाम करने के लिए राजन ने यह चाल चली है। हो सकता है, लेकिन मैं अपने फर्ज से मजबूर, इन्हें इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा। मैं समझता हूँ, लेकिन इस वक्त कैसे ले जा सकते हैं? आप तो देख ही रहे हैं यहाँ पर। इसे जाने दीजिए बाबूजी, इंस्पेक्टर ने जो कुछ कहा है सच है, राजन से इसका ताल्लुक था और यह बच्चा भी उसी का है। शाम, ये तुम कैसे कह रहे हो? इसे पढ़ लीजिए बाबूजी, आपको अपनी देवी जैसे बहू के सारे करतूत मालूम हो जाएंगे, और ये भी मालूम हो जाएगा कि इसने राजन को माफ करने की सिफारिश क्यों की थी। तुम चुप रहो बहू, ये चिट्ठी तुमने लिखी है राजन, जिस दिन मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाले हूँ, और ये मैं एक बहुत बड़े घर की बहू बनकर फिर से नई जिंदगी शुरू कर रही हूँ। बाबूजी, ये लिखावट मेरी है, लेकिन ये चिट्ठी झूठी है, इसमें जो कुछ भी लिखा है सब झूठ है बाबूजी। बाबूजी मेरा विश्वास कीजिए, मेरा राजन से कोई संबंध नहीं। तो फिर ये बच्चा किसका है? तुमने मुझसे खुद कहा था ये बच्चा तुम्हारा है, कहा था या नहीं? मैंने कहा था ये बच्चा मेरा है, लेकिन राजन से मेरा कोई क्या सुन रहा हूँ बहू, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? बन्ने खान सुन रहे हो तुम? क्या हुआ? इंस्पेक्टर ले जाइए और साथ साथ गड्ढी में लेते जाओ, ले जाइए इंस्पेक्टर। घबराओ मत मीरा, मैं तुम्हारी जमानत के लिए अभी वकील को लेकर आता हूँ। इतना बड़ा इल्जाम लगने के बाद भी आप मेरी जमानत देना चाहते हैं? चांद पिक्की चोर छाले से चांद मेला नहीं होता है मीरा। मगर मैं ये न समझती थी बाबूजी कि अपनी औलाद से नफरत करेंगे, अपने खून से नफरत करेंगे, मेरा जैसे देश से नफरत करेंगे, जिससे इनके बच्चे को अपना कहकर मेरी बिनती की लाज रख ली और इनके दोस्त पर पर्दा डाल दिया। श्याम, अब तुम कहो श्याम जो कि उसने कहा सच है या नहीं, जवाब दो श्याम। ये सच है, मैं राधा से शादी करना चाहता था, और ये भी सच है। वो बच्चा भी आपका है, यकीन मानिए बाबूजी, वो बच्चा भी नहीं करते। यकीन है बेटी, लेकिन तुम लोगों ने पहले मुझसे सब क्यों नहीं कहा? बन्ने खान सुन रहे हो तुम? सुना भाई मियां, मैंने अपनी देवी जैसी बहू पर शक किया बन्ने खान, मैंने अपने भाई मियां, खुदा न करे आपको अगर कुछ हो गया, राजन को हम जान से मार डालेंगे। मेरी
मेरी चाल कामयाब हो गई। मैंने चाचा जी और श्याम दोनों से अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया। तूने बदला नहीं लिया, अपने जेल जाने का इंतजाम किया। मर गई तेरी माँ, और तू भी पैदा होते ही मर जाता तो अच्छा था। नालायक कमबख्त, एक जरा सी दुश्मनी के लिए तूने खानदान की इज्जत बिगाड़ डाला। जानता है तू जिस बच्चे का बाप बन रहा है उसका असली बाप श्याम है, और उसकी माँ मीरा नहीं राधा है। राधा उस बच्चे की माँ? हाँ राधा। तूने मीरा पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया है कि देवर जी तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। कल मीरा का अदालत में बयान, तुझे जेल भिजवा देगा। मीरा अदालत तक नहीं पहुँचेगी। चलो जान। राजन अब और क्या करने जा रहा है? मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। छोड़ो मुझे माँ। मैं कहती हूँ मैं तुझे नहीं जाने दूंगी। छोड़ो मुझे माँ। राजन मत छोड़। राजन राजन। थैंक यू वकील साहब। इट्स ऑल राइट। चलो मीरा। चलो मियां अंदर चल के बाहू की जमानत दो और इज्जत के साथ घर वापस ले चलो, समझे? चलो चलो बेबी। मीरा जी, ये बच्चा किसका है? ये बच्चा मेरा है, इस बात को सभी ने मान लिया। लेकिन मैं नहीं मान सकता। तुम्हारे बारे में ऐसी गंदी बात सोचना भी पाप है। इस बच्चे के लिए अपने आप को बदनाम करके तुम किसका दोष छुपाना चाहती हो? राजन के लगाए हुए बेहुदा इल्जाम ने इस बात को अदालत पहुंचा दिया है। अगर तुम अब भी खामोश रहे तो श्याम और बैरिस्टर साहब किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहेंगे, और तुम्हारी माँ जो एक अरसे की बीमारी के बाद अच्छी हुई है, क्या उन्हें हमेशा के लिए खो दोगी? नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए डॉक्टर साहब। कभी कभी फर्ज भी मजबूरी बन जाता है। मेरे साथ क्या मजबूरी थी यह मैं जानती हूँ, यह मेरा भगवान। अपने पति की नजरों में जलील होकर भी मैंने अपने कर्तव्य का पालन किया। लेकिन लेकिन राजन ने मेरी पवित्रता पर कीचड़ उछालकर इस बच्चे का राज बताने पर मजबूर कर दिया। श्याम इस बच्चे के पिता हैं, इसकी मां कौन है मैं नहीं जानती। आओ मीरा। क्या हुआ मियां? वो मियां आप तो बच्चों को संभालो, हम उनसे निपट लेते हैं। होश में आने से पहले मीरा को हमेशा के लिए खत्म कर दो। आइडिया बुरा नहीं है, इल्जाम डॉक्टर पे आएगा और तुम साफ बच जाओगे। Thank you.
बचाने के लिए तूने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। कुछ हो जाता तो तुम जैसी देवी पर कुर्बान हो जाती तो सारे दुख दूर हो जाते। अगर चिट्ठी में तुमने अपना नाम लिख दिया होता राधा तो तुम्हें इतने दुख उठाने नहीं पड़ते और न ही मुझे दुनिया के सामने दिखाना पड़ता कि मैं श्याम की पत्नी हूं। तुमने ऐसा क्यों किया मेरा बहन? मैंने तो तुमसे सिर्फ बच्चे के अधिकार के लिए विनती की थी। बच्चे का अधिकार तुम्हें कभी भी दिला सकती थी राधा, मगर तुम्हारे साथ इंसाफ कैसे होता? ईश्वर इस बात का गवाह है, मैंने श्याम को अपना सुहाग कभी नहीं समझा। सिर्फ तुम्हारे सुहाग की रक्षा करने के लिए ही झूठ बोला था कि बच्चा मेरा है। मुझे विश्वास था कि बच्चे का मुंह उसकी माँ को जिंदा रखेगा और एक दिन वो जरूर मेरे सामने आएगी। आज वो दिन आ गया है राधा कि मैं तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा पति, जो तुम्हारी अमानत है मेरे पास, तुम्हें वापस लौटा दूं। मीरा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ पिताजी। बच्चे को इस घर में लाने से पहले मैंने भगवान के चरणों की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा की थी कि बच्चे के साथ उसकी माँ को उसका अधिकार दिलाकर रहूंगी। प्रतिज्ञा करने से पहले तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि श्याम के साथ तुम्हारी शादी भी हो चुकी? लेकिन मेरी शादी होने से पहले श्याम और राधा एक दूसरे के हो चुके थे। राधा के लिए तुम्हारे जज्बात की कदर की जा सकती है, लेकिन तुम्हें ये इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती कि तुम समाज और धर्म के खिलाफ कोई कदम उठाओ। धर्म इंसानियत सिखाता है पिताजी, किसी का हक छीनने की इजाजत नहीं देता। श्याम बच्चे के पिता है, राधा माँ, और ये जानने के बाद मैं इनके बीच दीवार बनूं ये नामुमकिन है। बाबूजी, बाबूजी आप ही बताइए, इनकी पत्नी होने का अधिकार राधा को है या मुझे? जवाब दो श्याम, जब तुम राधा को अपना चुके थे फिर मीरा से तुमने शादी क्यों की? बाबूजी, मैंने राधा को भगवान के सामने इस यकीन के साथ अपनी पत्नी स्वीकार किया था कि ये शर्मा जी की लड़की है और इसी के साथ मेरी शादी होने वाली है। राधा को अपनाते वक्त न मेरी नीयत खराब थी और न मैं इसे धोखा देना चाहता था। सिर्फ मेरी बदकिस्मती ये थी कि मैंने राधा को गलत समझा था और मीरा से शादी कर ली। जानते हो तुमने कितनी बड़ी भूल की, लेकिन अब तुम्हारा क्या फैसला है? अगर मीरा मुझे माफ कर दे तो मैं राधा को अपनाने को तैयार हूँ। हरगिज नहीं, आपका मेरा कोई संबंध नहीं और हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता जब मैं अपना हक छोड़ने को तैयार हूँ? श्याम राधा को अपनाने के लिए तैयार है। बेशरम, तुझे इतना भी ख्याल नहीं रहा कि तू क्या कह रही है? मैं क्या कह रही हूँ, ये बात तुम्हारी समझ में उस वक्त आती माँ जब मेरी जगह राधा तुम्हारी बेटी हो। जरा सोचो माँ, तुम माँ भी हो, पत्नी भी, क्या तुम चाहोगी तुम्हारी औलाद तुमसे छिन जाए, तुम्हारा पति तुमसे छिन जाए? विश्वास कीजिए पिताजी, अगर आप लोगों ने मेरी प्रार्थना को ठुकरा दिया, जिसे मेरे भगवान ने स्वीकार किया है, तो मैं अपनी जान देकर समाज के हर बंधन को तोड़ दूंगी, लेकिन राधा के अरमानों के खून से अपनी मां में सिंदूर कभी नहीं भरूंगी। मेरा बेटी, यही मेरा फैसला है, यही मेरी प्रतिज्ञा। जिद मत करो शिवचरण, तुम्हें तो ऐसी बेटी पर गर्व होना चाहिए। दुनिया ने औरत की महानता और त्याग की बहुत सी कहानियां सुनी है, लेकिन ये किसी ने नहीं सुना कि एक औरत ने एक औरत का अधिकार दिलाने के लिए अपना सुहाग तक दान कर दिया।
आज तुम्हारी बेटी ने औरत की महानता को ऊंचाई तक पहुंचा दिया है जिसकी मिसाल नहीं मिलेगी। श्रीचरण, मैंने उसका फैसला मान लिया है, तुम भी मान लो। जो जिसका अधिकार है उसे मिलना ही चाहिए। तुम ठीक कहते हो शुक्ला। बेटी, हमने तुम्हारा फैसला मान लिया है। बेटी, एक दिन तुम इस घर में बहू बनकर आई थी, आज तुम देवी बनकर मेरे सामने खड़ी हो। अब तुम्हारी ममता कभी नहीं डरेगी। नहीं डरता। मीरा बीबी, अगर खुदा के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत होती हम आपको सजदा करते। है काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना।